हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये आपके बाल विकास है ओपेक, ये साइकोलॉजी से संबंधित है। तो ये विभिन्न परीक्षाओं पूछा जाता है जो शिक्षक भर्ती से संबंधित होते हैं, चाहे वो आपका रीट हो या स्टेट लेवल पर कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। इनके अलावा जो भी TGT और PGT, इनमें भी यही टॉपिक रहते हैं। चाहे स्टेट लेवल की बात कर लूँ, जैसे कि हम राजस्थान की बात करें तो RPSC सेकेंड ग्रेड और RPSC फर्स्ट ग्रेड, यानी TGT और PGT में भी पूछा जाता है। चाहे वो केंद्र की कोई भी जॉब हो, जैसे कि शिक्षक संबंधी DSSB हो, KVS हो, इनके अलावा जो भी CTET वगैरह और भी परीक्षा हैं। यानी टोटली बात यह है कि शिक्षक भर्ती संबंधित परीक्षाओं में बाल विकास पूछा जाता है। तो उसमें हम बाल विकास से संबंधित या चाइल्ड डेवलपमेंट से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं पूछे हुए प्रीवियस क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ये भी देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। मोस्टली जब आप बाल विकास पढ़ते होंगे तो उसमें यही चीज़ बताई जाती है कि वृद्धि और विकास की संकल्पना यानी कॉन्सेप्ट, उसके अलावा विकास को प्रभावित करने वाले कारक, और उन कारकों में आते हैं विशेषकर परिवार और विद्यालय। इनके अलावा विकास के सिद्धांत क्या होते हैं, उनके आयाम क्या हैं, और जो शारीरिक विकास है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, सामाजिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, सभी विकास, संज्ञानात्मक, नैतिक, और जो भी आपका वंशानुक्रम या वंशक्रम या वातावरण की भूमिका क्या रहती है, मोस्टली यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इन्हीं टॉपिकों के आधार पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस में, हम उनको डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हम पहले क्वेश्चन से डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि ये पूछा गया है रीट 2011 में, ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें पूछा है विकास का अर्थ क्या होता है। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, यानी जो परिपक्वता एवं अधिगम के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला होती है, उसे ही हम डेवलपमेंट कहते हैं या विकास कहते हैं, ठीक है। 3 नंबर की जो परिभाषा है, ये आपके CTET और RPSC ने भी पूछ रखी है। ध्यान रखना है, ये जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, यानी प्रायिकता देंगे हम इसको, सेकंड ऑप्शन पे देंगे इसको। अगर बाई चांस अगर ये आपका 4th नंबर ऑप्शन नहीं होता इसमें, फिर हम 3 नंबर ऑप्शन राइट आंसर करते हैं। लेकिन अगर 4 नंबर ऑप्शन दिए रखा है इस प्रकार का, तो हम 4 नंबर पे जाएंगे। यही क्वेश्चन है, 3rd ग्रेड 2013 हुई थी, उसमें यही क्वेश्चन पूछा गया है जो आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इनके अलावा ये थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे रखा है इस क्वेश्चन का, तो आप इसे देख सकते हैं। इनके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बना है अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यानी जो अभिवृद्धि यानी जो ग्रोथ है, उस टर्म को किन के लिए उपयोग किया जा सकता है इन 4 ऑप्शनों के लिए। ये आपके फर्स्ट ग्रेड में पूछा है 2014 में, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में। हम जानते हैं कि अभिवृद्धि यानी ग्रोथ होती है वो शरीर की शारीरिक वृद्धि से संबंधित होती है, यानी शारीरिक विकास से बोल सकते हैं, तो जिसे हम माप सकते हैं। अभिवृद्धि यानी मात्रात्मक रूप होता है एक तरह से, ये बोल सकते हैं हम, यानी जिसे हम माप सकते हैं, चाहे वो लंबाई हो, वजन हो, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं अभिवृद्धि में, और वो भी क्वेश्चन आते जाएंगे, हम डिस्कस करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें पूछा है निम्न में से किसका अर्थ आकार बढ़ने से है, चाहे वो आकार बढ़ने से हो, वजन से हो, या लंबाई से हो, तो ये सभी चीज़ें आ जाती हैं आपके अभिवृद्धि, यानी ये है ग्रोथ, और ग्रोथ को ही हम अभिवृद्धि बोलते हैं हिंदी में, या वृद्धि भी बोल देते हैं। तो आकार का बढ़ना हो, लंबाई हो, ऊंचाई हो, वजन हो, ये सभी चीज़ें आएंगी, वो आपके अभिवृद्धि में आएंगी। इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है, वो आप इसमें देख सकते हैं कि अभिवृद्धि क्या चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, जो RPSC फर्स्ट ग्रेड में पूछा है हिंदी में, कि विकास एवं अभिवृद्धि है, तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें से इसका राइट आंसर हो जाएगा एक दूसरे के, ये पूरक होते हैं यानी कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। आप ऐसे नहीं कह सकते विकास हो रहा है तो उसके साथ वृद्धि नहीं हो रही, आप ऐसे भी नहीं कह सकते कि जब वृद्धि हो रही तो उसके साथ विकास भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब यही होता है कि एक दूसरे के पूरक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, रीट 2018 में पूछा है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, कि मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को क्या कहते हैं। मात्रात्मक जिसे माप सकते हैं, और वो भी व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे वृद्धि, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ग्रोथ। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है अभिवृद्धि से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये है, ये पूछा है कि कौन सा कथन इसमें से सत्य नहीं है, ठीक है। और ये पूछा है आपके RPSC फर्स्ट ग्रेड हिंदी में 2020 में, यही UPTET में पूछा था 2020 में। इसमें से अगर ऑप्शनों की बात करें, जैसे कि वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, ठीक है, तो ये बात तो सही है।
और शिक्षण एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, ये भी बात सही है। और तीन नंबर ऑप्शन है अधिगम जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, ये भी बात सही है। लेकिन विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, ये कहना गलत होगा। विकास है मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चार नंबर ऑप्शन। हमें पूछा है सत्य नहीं है, तो वो चार नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी ये तीन कथन बिल्कुल सही थे। इसका एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे विकास शब्द का प्रयोग है परिमाणात्मक यानी जो मात्रात्मक परिवर्तनों के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तनों जैसे कार्य करना यानी कार्य कुशलता है, कार्य क्षमता पूर्वक व्यवहार कुशलता है, इन प्रकार को हम विकास बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका ये है जो पूछा है फर्स्ट ग्रेड इकोनॉमिक्स में वृद्धि और एवं विकास के बारे में कौन सा कथन सत्य है, केवल सत्य बताना है इनमें से। जैसे वृद्धि मनोवैज्ञानिक होती है तो ये तो गलत हो जाएगा, वृद्धि मनोवैज्ञानिक नहीं होती, मात्रात्मक होती है। विकास भौतिक होता है तो विकास भौतिक नहीं होगा, अभिवृद्धि भौतिक होगी क्योंकि उसे हम लंबाई आकार और वजन इन्हें माप सकते हैं, तो ये भौतिक कह सकते हैं भौतिक अवस्था में आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट कोई ऑप्शन है वृद्धि भौतिक होती है जबकि विकास एक मनोवैज्ञानिक होता है, तो ये कदम सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वृद्धि को हम माप सकते हैं तो भौतिक इकाइयों में आ जाएगा इसे बोल सकते हैं। और विकास है वो मनोवैज्ञानिक होता है जिसमें व्यवहार का भी अध्ययन किया जाता है, चाहे वो संज्ञान हो, चाहे आपका इनके अलावा संज्ञान है आपका शारीरिक है, मानसिक है, संवेगात्मक है, इन सभी का अध्ययन कर सकते हैं विकास के अंदर, ठीक है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा, बाकी सभी ऑप्शन गलत थे। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये क्वेश्चन है जो पूछा गया है आपसे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2012 में ही पूछा गया है। ये क्वेश्चन इस प्रकार पूछा है कि निम्न कथनों में से प्रत्येक के सम्मुख अभिवृद्धि दर्शाने वाले कथन के सम्मुख हमने जी लिखा है यानी ग्रोथ लिखा है, यानी जिनके संबंध में ये कहें कि वृद्धि से संबंधित कथन होगा उनके सामने हम जी लिखेंगे और विकास से संबंध रखने वाले कथनों के सामने हम डी लिखेंगे। जी का मतलब ग्रोथ होगा, डी का मतलब डेवलपमेंट होगा, तो हम इस प्रकार इन कथन करेंगे। जैसे कि पहला ऑप्शन दे रखा है कि एक छः माह के बालक में दांतों का निकलना, तो दांतों का निकलना हम गिन सकते हैं कितने दांत निकलते हैं, तो हम इसके आगे जी लिखेंगे यानी ये एक ग्रोथ है। दो नंबर ऑप्शन है 3 माह के बालक का उल्टा पलट कर पेट के बल चलना, तो ये एक संचयी प्रक्रिया है, बच्चे चलते हैं इस प्रकार और यानी ये डेवलपमेंट में आ जाएगा, एक तरह से हम ये बोल सकते हैं, तो ये डी हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है कि एक शिशु द्वारा उसके आगे लुढ़कती वस्तुओं पर आँखों को केंद्रित करना, तो ये भी डेवलपमेंट का ही एक भाग होगा। और 4 नंबर ऑप्शन है कि 1-13 वर्ष के बालक के चेहरे पर बालों का आना तो यह उगना, तो ये बालों का उगना है ये आपके ग्रोथ से संबंधित हो जाएगा, तो पहले में ग्रोथ आएगा, दूसरे में डेवलपमेंट, तीसरे में डेवलपमेंट और चौथे में ग्रोथ। तो इस प्रकार को ऑप्शन नंबर 2 में देखिए, पहले में जी, दूसरे में डी, तीसरे में डी और चौथे में जी, तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये क्वेश्चन पूछा है फर्स्ट ग्रेड जो फिलोसॉफी है उसमें 2014 में, इसमें बताना है वृद्धि और विकास के कौन से आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जैसे शारीरिक है, बौद्धिक है, सामाजिक है, संवेगात्मक है और नैतिक है, तो ये सभी एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। जब हम वृद्धि और विकास के आयाम को पढ़ते हैं उनमें आयाम में एक सिद्धांत चलता है अंतर संबंध का सिद्धांत। क्या अंतर संबंध यानी इंटरेक्टिव थ्योरी होती है वो इन सभी को एक साथ में विकास होता है, तो ये सभी एक दूसरे से अंतर संबंध होते हैं ऐसे बोल सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर है 4 सही हो जाएगा, यह सही ऑप्शन है, ठीक है, जो आपके वृद्धि और विकास से संबंध रखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ये आपके एनटीटी ये आपके अधीनस्थ बोर्ड कराता है RSMSSB जयपुर वाला, तो ये उनमें पूछा है और साथ ही साथ ये छत्तीसगढ़ टेट 2011 में भी पूछा है कि परिपक्वता का दूसरा नाम क्या होता है, तो हम इसे बोलते हैं क्षमता का विकास, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 1 नंबर राइट आंसर। एक जानकारी और बता दें, जो परिपक्वता होती है ना वो स्वचालित होती है यानी ऑटोनोमस प्रोसेस होती है, ठीक है, ये अपने आप ही विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, ये है परिपक्वता से संबंधित यानी मैच्योरिटी से संबंधित, ये पूछा है फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स में 2020 में। ये कह रहा है कि परिपक्वता की एक विशेषता इनमें से बतानी है, जैसे कि स्वचालित प्रक्रिया है, वृद्धि की पूर्णता है और अधिगम का आधार है,
अगर इन ऑप्शनों को ध्यान से देखें ना, तो परिपक्वता एक स्वचालित प्रक्रिया है, यानी ऑटोनोमस प्रोसेस है, ये बात सही है। वृद्धि की पूर्णता है, क्योंकि परिपक्वता में ही वृद्धि समाहित होती है और अधिगम का आधा है, ये भी ऑप्शन हो जाएगा। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी इसके सभी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो छत्तीसगढ़ कह सकते हैं लेवल फर्स्ट में 2011 में पूछा है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या होता है? ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, या आकार सोच समझ कौशल में वृद्धि? इस प्रकार का ये क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विकास में वृद्धि से तात्पर्य होगा उसके आकार सोच समझ कौशलों में वृद्धि होना। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि जो फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स 2020 में पूछा गया है कि विकास के विभिन्न पक्ष हैं, ये बताना है। तो विकास के विभिन्न पक्ष से संबंधित विकास में या विकास डोमेन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? तो वो जैसे कि शारीरिक एवं गतिक विकास, संवेगात्मक सामाजिक विकास और मानसिक एवं संज्ञानात्मक विकास। तो ये सभी चीज़ें आ जाएंगी, क्योंकि विकास डोमेन में ये सभी चीज़ें होती हैं। क्योंकि इससे पहले हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक, मानसिक, इस प्रकार का अंतर संबंध का एक सिद्धांत होता है, तो उनमें ये सभी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। 14वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी जो गलत कथन है वो चूज करना है। ये आपके सेकंड ग्रेड 2014 में पूछा है। वृद्धि एवं विकास पर्यायवाची होते हैं, तो ये कथन तो गलत हो जाएगा, हमें गलत ही बताना था ना। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन निहित होता है, यानी जिसे माप सकते हैं, ये बात सही है। ठीक है, वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं होती है, ये भी बात सही है, क्योंकि विकास जीवन पर्यंत होता है, न कि वृद्धि। 4 नंबर ऑप्शन है, वृद्धि के साथ विकास भी होता है। इस कथन को ध्यान से देखिए, एनसीईआरटी में ये कथन दे रखा है वो गलत है। एनसीईआरटी कहती है कि वृद्धि के साथ विकास नहीं होता, लेकिन ये निश्चित मानिए कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछा है, हरियाणा टेट होती है उसमें भी पूछा है, ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड में भी पूछा है, यानी वृद्धि के साथ विकास भी होता है, ये कथन सही है। तो ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। हम कह सकते हैं वृद्धि एवं विकास पर्यायवाची न होकर क्या होते हैं, पूरक होते हैं, यानी कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर इसका 1 सही है जो गलत है, और यही गलत ऑप्शन होगा। नंबर आपका नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है, जो गलत है वो चूज करना है। ये आपके फर्स्ट ग्रेड में पूछा है 2014 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब हम विकास के सिद्धांत पढ़ते हैं ना, उसमें हम निरंतरता पढ़ते, निरंतरता का सिद्धांत, क्रमिकता का सिद्धांत भी पढ़ते हैं सुकेस का, और सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास होता है ये भी पढ़ते हैं, लेकिन विलोमीता है ना, इसे नहीं पढ़ते। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं विकास एक संचय प्रक्रिया होती है, ये बात सही है, लेकिन उत्क्रमणीयता नहीं होती, यानी रिवर्सिबिलिटी नहीं होती। विकास एक बार हो गया तो वो वापस नहीं आ सकता। तो ये जो रिवर्सिबिलिटी है, ये जीन पे आ जाएगी। आपने थर्ड स्टेज पढ़ी होगी, यानी तीसरे नंबर की, जिसे बोलते हैं कॉन्क्रीट, यानी मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो 7 से 11 होती है, ये उसकी एक विशेषता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है, जो भी विकास के सिद्धांत हैं, जैसे विकास की दिशा का सिद्धांत, विकास के क्रम का सिद्धांत, वृद्धि एवं विकास की गति की दर भिन्न भिन्न होती है, यानी एक जैसी नहीं होती समान, ये यानी टोटली ये सिद्धांत दे रखे हैं, आप देख सकते हैं जो भी विकास से संबंधित है, और भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये पूछा गया है यूपी टेट में 2000। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, तो देख लेते हैं इसमें से। जैसे निरंतरता का अभी हमने देखा पीछे, उसमें था परस्पर संबंध यानी अंतर संबंध का सिद्धांत बोल सकते हैं, समान प्रतिमान का सिद्धांत है, ये भी बात सही है, लेकिन अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत है, ये आपके विकास का सिद्धांत नहीं है, ये व्यवहार, जब हम पढ़ते हैं ना व्यवहारवादी, उनका सिद्धांत है ये। तो ये ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा। बाकी ये विकास से संबंधित है, ये आपके व्यवहारवादी जैसे स्किनर, थॉर्नडाइक और इनके अलावा और भी कुतरी वगैरह हैं, तो ये व्यवहारवादी का एक सिद्धांत है, ना कि ये विकास का, आप ऐसे भी कह सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो है आपका यूपी टेट लेवल 2 में पूछा है 2016 में। ये कह रहा है कि कौन सा है वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है, जैसे कि निरंतरता अभी हमने देखा था, समन्वय का मतलब इंटीग्रेटेड होता है, ये भी बात सही है, व्यक्तिगत भिन्नता होती है, लेकिन वर्गीकरण का सिद्धांत इस प्रकार का विकास का कोई भी सिद्धांत नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है, तो इन 4 ऑप्शनों को ध्यान से देखें ना, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, गलत है।
क्योंकि संस्कृति के अलावा वातावरण भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार के हम कथन पढ़ चुके हैं, यानी आनुवंशिकी ये बोलते हैं या वंशक्रम बोल देते हैं, तथा वातावरण एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। ठीक है, तो केवल हम ये नहीं कह सकते कि इसमें संस्कृति का प्रभाव रहेगा ज़्यादातर। संस्कृति का मतलब यहाँ से ये है, हम वातावरण से संबंध रख सकते हैं इसका। बाकी जो वंशक्रम होता है वो पेरेंट्स के लक्षण बच्चों में आना, तो वो एक अलग फैक्टर होता है, वो बायोलॉजिकल होता है, ये आपका वातावरण ही होता है। संस्कृति है, हम वातावरण मान सकते हैं। वातावरण का मतलब हम जिस समाज में रह रहे हैं, तो केवल संस्कृति से हम ये कह सकते हैं विकास निर्धारित नहीं होता है। ठीक है, बाकी विकास जीवन पर्यंत चलता है, ये 3 नंबर ऑप्शन है, ये भी सही है। देखो 4 नंबर ऑप्शन है, मैं जो आपसे कहने वाला था वो ये है कि विकास है वंशानुक्रम और पर्यावरण से प्रभावित होता है। ये वाला कथन है ना, यही कथन है। केवल ये है कि यहाँ पर संस्कृति यूज कर दी, अब केवल शब्द लगा दिया है, बाकी स्टेटमेंट बना दिया है, यहाँ पर पर्यावरण से संबंधित हो जाएगा संस्कृति, बाकी वंशक्रम होता है जो पेरेंट्स के लक्षण है बच्चों में आना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है जो है आपका, ये पूछा है सीटेट में ही, और इसका 4th ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है क्या? अब दे रहा होगा। ये पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है, तो इनमें से देख लेते हैं। जैसे कि इसमें से कह रहा है कि विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण होते हैं, ये बात तो सही है। 2 नंबर ऑप्शन है कि सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतक्रिया का परिणाम होते हैं, ये अभी हमने शुरुआत का क्वेश्चन किया था ना 1 नंबर का, ये वही स्टेटमेंट है। ठीक है, 3रा ऑप्शन है सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे की ओर बढ़ते हैं, तो ये कथन गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, इसे हम अभी देख लेंगे। सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, ये भी बात सही है, तो 3 नंबर गलत क्यों है? ये जो है ना कथन, ये है कि सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे की ओर बढ़ते हैं, ये गलत है। विकास है वो अधिगम से पीछे रह जाता है, ये सीटेट में पूछा हुआ कथन है, चाहे 2012 का हो या 2011 का, ये कथन है ना वाइगोत्स्की का है, जिस ये पेन से लिख रखा है ना, विकास है अधिगम से पीछे रह जाता है, ये वाइगोत्स्की का कथन है। आप उनकी थ्योरी पढ़ेंगे तो उनमें भी ये मिल जाएगा, तो यही कथन गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है जो हरियाणा टेट ने पूछा है 2012-13 में, कि कौन सा है जो विकास का एक सिद्धांत नहीं है। इनमें से हम देखें तो जैसे कि विकास में व्यक्तिगत भिन्नता होती है, व्यक्तित्व की भिन्नता होती है, यानी हम ऐसे बोल सकते हैं इंग्लिश में जो विकास होता है उसमें इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब व्यक्तिगत भिन्नता होती है। 2रा ऑप्शन है विकास संयोगों का परिणाम है, संयोगों का मतलब एक संचय प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये कथन मान सकते हैं सही है। 3 नंबर ऑप्शन है ये एक सतत प्रक्रिया है, ये भी बात सही है। ये 4 नंबर ऑप्शन इसलिए गलत हो जाएगा, ये पूर्व कथन ये नहीं होगा, ये हम ऐसे बोल सकते हैं पूर्वानुमेय हो जाए, यानी प्रिडिक्टेबल होता है, प्रिडिक्टेबल। ठीक है, प्रिडिक्टेबल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 गलत है, बाकी सभी सही थे। तो हमने इस प्रकार के क्वेश्चन कर लिए हैं, आपके 30 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें भी हम पर डे हम 30 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और आप है अपने जो भी किसी क्वेश्चन को लेकर डाउट है तो आप कमेंट में बता देना, बाकी डे बाई डे हम जो भी आपके विकास है, अधिगम है, व्यक्तित्व है, बुद्धि है, विकास हमेशा बच्चे की उम्र में मेल खाता है, यह फिल इन द ब्लैंक्स के सिद्धांत के कारण होता है। यानी जो विकास है वो हमेशा बच्चे की उम्र में मेल खाता है, यानी ये एक शैशवावस्था की जो भी विशेषताएँ वो हर एक बालक में गुजर के जाएंगी, इसी प्रकार बाल्यावस्था किशोरावस्था यानी इन अवस्थाओं से गुजर के जाता है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं। फिर ऑप्शनों को ध्यान से देखें, वो एक समान पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, यानी विकास हमेशा बच्चे की उम्र में मेल खाता है, तो यह एक समान पैटर्न के सिद्धांत के कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा है जो विकास का सिद्धांत नहीं है। ये बिहार टेट में पूछा है 2011 में। विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। विकास क्रमबद्ध होता है, ये भी बात सही है। विकास निरंतर होता है, ये भी बात सही है। लेकिन विकास है मशीनी प्रक्रिया नहीं है, ये बायोलॉजिकल होती है, साथ ही साथ ये आपकी वातावरण, यानी हम कहते हैं ना वातावरण और वंशानुक्रम का पूरक होता है, यानी गुणनफल होता है, ऐसे बोल सकते हैं, तो ये मशीनी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 ही सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन सही थे। क्वेश्चन नंबर ये है सीटेट 2016 में पूछा है, ये इसमें पूछा है कि विकास के सिद्धांतों
के बारे में कौन सा कथन गलत है, यानी जो विकास के सिद्धांत है इनमें से गलत कौन सा है वो चूज करना है। जैसे कि इसमें कह रहा है कि विकास वंशानुगत और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य प्रक्रिया है, ये बात सही है। विकास परिपक्व और अधिगम पर आधारित होता है, ये भी बात सही, क्योंकि शुरुआत का हमने क्वेश्चन जब किया है ना एक नंबर, वो इसी से स्टार्ट किया था, जब एक नंबर किया था कल के वीडियो में। प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों में से गुजरता है, फिर भी बच्चों में व्यक्ति भिन्नता बहुत अधिक होती है, ये भी बात सही है। चार नंबर ऑप्शन है विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है, ये गलत है। परिमाणात्मक के साथ साथ ये गुणात्मक भी होती है, इसका ठीक मापन हो सकता है, ये बात तो सही है कि परिमाण से हम ठीक मापन कर सकते हैं, लेकिन ये विकास की बात कर रहे हैं, विकास में परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों चलते हैं, तो इस वजह से इसका गलत ऑप्शन चार नंबर ऑप्शन हो जाएगा, बाकी सभी सही थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि किसी व्यक्ति के विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल के संबंध में कौन सा सही नहीं है, यानी आपको बताना है किसी व्यक्ति के विकास के संबंध में क्या सही नहीं है। ये चार ऑप्शन है, अगर इन ऑप्शनों को देखें जैसे यह जन्म से मृत्यु तक जारी रहता है, ये बात सही है। वृद्धि है वो विकास का ही एक हिस्सा है, ये भी बात सही है। परिवर्तनों को देखा जाता है, ये बात सही है। और मापा जा सकता है, ये गलत हो जाएगा। अब ये क्यों गलत हो जाएगा ये सुनिए। देखो ये कह रहा है परिवर्तनों को देखा और मापा जा सकता है। देखो परिवर्तनों को हम देख, कुछ चीज़ें ऐसी हैं हमें दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है, और ये बात है कि मापा किसको जाता है, हम एक लॉजिक ये लगाएं मापा जाता है परिमाणात्मक, जैसे लंबाई वजन ये, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी चेंजिंग होती हैं शरीर में तो उन्हें हम पर्टिकुलर ऐसे नहीं है कि देख ही सकें, महसूस कर सकते हैं, हम खुद से कहें तो हम खुद भी महसूस कर सकते हैं और दूसरा भी महसूस कर सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं हमें दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है। तो निश्चित तौर से इसका राइट आंसर हो जाएगा तीन नंबर ऑप्शन। कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है जो है आपका मानव विकास होता है, तो ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो हम कहेंगे ये सिक्वेंशियल, यानी सिक्वेंशियल का मतलब है यहाँ पे सिक्वेंशियल बोलते हैं, क्रमिक है, कंटिन्यूअस है, और इंडिविजुअल है, यानी इंडिविजुअल या जहाँ पे तो इंडिविजुअलाइज बोला है तो ये व्यक्तिक होता है, ये बात सही है। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्रमिक है, निरंतर है, व्यक्तिक है, तो ऑप्शन नंबर इसका चार सही हो जाएगा, यानी ये सभी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है किसी व्यक्ति में विकास का प्रतिमान यानी मॉडल है निम्नलिखित में से किस क्रम का अनुसरण करता है, ये यानी ये कह रहा है किसी व्यक्ति में विकास का प्रतिमान है निम्नलिखित में से किसका अनुसरण करता है, जैसे कि बाहर से भीतर, शीर्ष पदीय यानी जैसे आपादीय बोल देते हैं, एक पार्श्वीय विशिष्ट सामान्य। ये कह रहा है कि किसी व्यक्ति के विकास का प्रतिमान निम्नलिखित में से किस क्रम में अनुसरण करता है, यानी आपको बताना है, ये लिखना है ना शीर्ष पदी, इसे बोलते हैं हम सेफेलोकोडल, और सेफेलोकोडल होता है, सेफेलोकोडल ये होता है सिर से पैर की ओर विकास, ठीक है, सिर से पैर, और ये है बाहर अंदर से पार होता है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, यानी यही नंबर ऑप्शन होगा, यानी दो नंबर ऑप्शन सही है, यही हमें पूछा है कौन से क्रम में अनुसरण होता है, तो सिर से पैर की ओर होता है, और यह शीर्ष पदी यानी से पहलू कोडल कहते हैं, से पहलू ये विकास के बारे में बताया है कि से पहलू कोडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि निकट से दूर यानी निकट दूर सिद्धांत विकास किस प्रकार का है, तो हम कहेंगे ये केंद्र से सिरों की ओर होता है, यानी अंदर से बाहर की ओर ऐसे बोल सकते हैं, या केंद्र से बाहर की ओर, इसे बोलते हैं हम प्रॉक्सिमोडिस्टल, इसे बोलेंगे क्या प्रॉक्सिमोडिस्टल, ये होता है केंद्र से सिरों की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये पूछा है आपके फर्स्ट ग्रेड और एंटिटी, यानी एंटिटी का मतलब प्राइमरी जो टीचर होते हैं उनसे संबंधित है, जो अधीनस्थ बोर्ड लेता है, इसका क्वेश्चन इस प्रकार पूछा है कि सेफेलोकोडल प्रिंसिपल के अनुसार विकास होता है, हम जानते हैं सेफेलोकोडल होता है सिर से पैर की ओर, तो सिर से पैर की ओर चार नंबर ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ये कह रहा है कि मस्तकादोमुखी एवं निकट से दूर क्रम किस क्रिया का अंग है, हमें ये कह सकते हैं इसका मतलब तो सेफेलोकोडल है, निकट से दूर का मतलब होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल,
ये किससे संबंधित है, ये सभी विकास से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर दो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है कि विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ेगा, यानी सिर पदाभिमुख का मतलब ही इसे पहलू कोट पर होता है, तो हम कहेंगे सिर से पैर की ओर विकास होता है, तो ऑप्शन नंबर दो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि बालक के शारीरिक एवं क्रियात्मक विकास की दिशा होती है, तो हम जानते हैं सिर से पैर, तो सिर से पैर तो इन दोनों ऑप्शनों में है, एक जो और देख लीजिएगा कि केंद्र से बाहर की ओर कौन सा है, शरीर के मध्य से बाहर की ओर, यानी हम ये कह सकते हैं सिर से पैर से पहलू कोडल और मध्य से बाहर की ओर, या हाँ मध्य से बाहर की ओर ये होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल, तो ऑप्शन नंबर दो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि से पहलू कोडल विकास नियम के अनुसार होता है, तो हम जानते हैं पहले सिर, यानी इसमें क्या कह रहा है, पहले सिर के भाग, फिर धड़, हाथों और पैरों का विकास होता है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है पहले धड़, फिर हाथों पैरों, फिर सिर का, ये गलत हो जाएगा, संपूर्ण शरीर गलत हो जाएगा, व्यक्तिगत निर्भर करता है, ये भी गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सही है, यानी इसे पहलू कोडल विकास नियम के अनुसार कहते हैं पहले सिर का भाग का विकास होगा, फिर धड़ पर कंट्रोल करना सीखे, फिर हाथों पर, फिर पैरों पर, इस प्रकार ये क्रम होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, जो है वो इस प्रकार पूछा है कि शुरू में एक बच्चा है अपनी पूरी हथेली का उपयोग करते हुए वस्तु को पकड़ता है, धीरे धीरे बुद्धि और विकास के रूप में बच्चे उंगलियों यानी उंगलियों और अंगूठे उपयोग वस्तु को उठाने के लिए करता है, अंगूठे का वस्तु को उठाने के लिए करता है, इस प्रकार की प्रगति को आप क्या कहेंगे, तो आप देख लीजिए पहले वो पूरे हाथ से किसी काम को करता है, अब वो है केवल उंगलियों से करता है, तो हम कहेंगे ये प्रॉक्सिमोडिस्टल होगा और व्यापक से विशिष्ट की ओर होगा। हमेशा ध्यान रखना पहले आप ऐसे कह सकते हैं सामान्य से विशिष्ट की ओर, ये एक सिद्धांत पड़ा होगा, ये यहीं पर लागू होता है, यानी पहले कोई पांचों उंगली से कोई कार्य करता है यानी पूरे हाथ से, अब वो उंगलियों से कर रहा है, तो ये देखो सामान्य चीज़ तो हो जाती है हाथ से काम करना, लेकिन अगर वो उंगलियों का उपयोग कर रहा है उसी काम को करने के लिए, तो वो उंगलियां विशिष्ट हो जाएंगी किसी पर्टिकुलर एक काम के लिए, तो हम कह सकते हैं ये प्रॉक्सिमोडिस्टल या व्यापक से विशिष्ट की ओर होगा, ये दोनों ऑप्शन सही होंगे, तो राइट आंसर दो या तीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि विकास सभी कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये कथन किस सिद्धांत से संबंधित है, तो हम जानते हैं ये किसे निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर इसका तीन नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ये इस प्रकार पूछा है, ये सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, विकास जीवन पर्यंत चलता है, ये बात सही है। ठीक है, विकास आनुवंशिक परिणाम दोनों द्वारा प्रभावित होता है, ये भी बात सही है, विकास सार्वभौमिक है तथा संस्कृति संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करती, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि संस्कृति हो या आपका वंशानुगत हो ये सभी चीज़ें प्रभावित करती हैं, तो इसका राइट आंसर चार नंबर होगा, विकास परिवर्तित है यानी संशोधन योग्य है, तो ये भी बात सही थी, तो ऑप्शन नंबर चार ही गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका, ये सीटेट में पूछा है 2015 में, कि बाल विकास का सिद्धांत नहीं है, अगर इन चार ऑप्शनों को ध्यान से देखें, पहला ये कह रहा है कि परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अनून क्रिया है, इस प्रकार का कथन हम पहले पढ़ चुके हैं, विकास के प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लग सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि अनुभव विकास एकमात्र निर्धारक है और विकास प्रबलन एवं दंड के द्वारा सुनिश्चित होता है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, और विकास के प्रति बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकते, ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर एक ही सही होगा, परिपक्व तथा अनुभव के बीच के अननोन क्रिया होती है, तो ऑप्शन नंबर एक सही होगा, इस प्रकार का गति हमने पढ़ा था पहले, बाकी सभी ऑप्शन इसलिए गलत हो जाएंगे क्योंकि प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान नहीं लगा सकते, हम एक केवल प्रिडिक्टेबल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से गलत हो गया, अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है, ऐसी बात नहीं है, एकमात्र निर्धारक कैसे हो जाएगा जी, इसमें तो आपकी चाहे वातावरण हो, कल्चर हो, सामाजिक हो, और आपके संबंध सभी का डिपेंड रहता है, वो अनुभव डिपेंड करता है वो किस क्षेत्र से संबंधित है, तो सभी प्रकार के अनुभव काम करेंगे, इसमें केवल ये नहीं कि विकास एक मात्र निर्धारक है, ये कहना गलत हो जाएगा, विकास प्रबलन और दंड से सुनिश्चित होता है, इस प्रकार के कदम तो गलत ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, ये कह रहा है कि एक बालक जो शारीरिक रूप से कमज़ोर है और मैं सांवेगिक रूप से, सामाजिक मानसिक रूप से यानी मानसिक विकास भी निम्न स्तरीय है, यह उदाहरण विकास के किस सिद्धांत को प्रदर्शित करता है,
तो हम कहेंगे देखो ये कह रहा है एक बालक है शारीरिक रूप से कमजोर रहता है, चाहे वो इमोशनली हो, सोशियल हो या मेंटली हो, सभी प्रकार में निम्न स्तर का है। तो यह उदाहरण विकास के किस सिद्धांत को संबंधित है या प्रदर्शित करता है? तो ये संबंधित हो जाएगा अंतर संबंध का सिद्धांत, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत है विकास से संबंधित नहीं है? तो चलो देख लेते हैं। विकास एक सतत प्रक्रिया है, सही है। विकास अंत क्रिया परिणाम है, ये भी बात सही है। विकास के विभिन्न पक्ष एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते, तो जबकि करते हैं क्योंकि अंतर संबंधित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, यही पूछा था, सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये कह रहे हैं कि कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, जबकि यही गलत हो जाएगा क्योंकि विकास है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, ये जो है फर्स्ट ग्रेड 2014 में पूछा है कि इसमें से बताना कौन सा कथन सही नहीं है। इस प्रकार है, विकास लंबवत सीधा ना होकर वर्तुलाकार यानी स्पायरल होता है, ये बात सही है। विकास की गति की दर है एक सी रहती है, ये गलत है। एक सी कहाँ रहती है? सही है, सही है। यानी ये कह रहा है रेट और डेवलपमेंट इन यूनिफॉर्म, ये गलत लग रहा है, ये गलत कथन है, क्योंकि विकास की गति यानी जब भी दर बोले ना, जो गति गति की दर बोले, तो इस प्रकार के कथन है वो व्यक्तिगत भिन्नता पर डिपेंड करता है, न कि एक समान पैटर्न पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 ही सही है, क्योंकि बाकी है विकास है मस्तिष्क का दोमुखी यानी सिपेडो कोडल क्रम में होता है, तो ये बात सही है। विकास केंद्र से बाहर की ओर प्रोक्सिमो डिस्टल की ओर होता है, ये भी बात सही है। तो फिर ऑप्शन नंबर 2 ही गलत हो जाएगा। इसके निम्नलिखित में से कौन सा विकास की प्रकृति को सही रूप में प्रदर्शित करता है? ये 4 ऑप्शन है, अगर इन 4 ऑप्शन को ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। विकास एक सतत प्रक्रिया है, इनके अलावा जैसे कि विकास आनुवंशिकी के कारण होता है, ये बात सही है, लेकिन साथ ही साथ वातावरण भी शब्द आता है, तब हम कह सकते हैं दोनों से अंतर संबंधित होता है, ठीक है। तो इस वजह से ये 2 नंबर गलत है। 3 नंबर, सभी व्यक्तियों में विकास की दर समान है, जबकि समान ही होती कैसी होती है, भिन्न भिन्न होती है, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट है, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। आप जानते हैं, हम जो प्रीवियस वीडियो उसमें भी बात कर चुके हैं कि विकास है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, तो ये भी गलत है। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 सही था, इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है, आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें पूछा है कौन सा विकास का सामान्य नियम नहीं है, यानी एक तरह से कह सकते हैं कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें आप ध्यान से देखिए, हमें पूछा है नहीं है, जैसे कि व्यक्ति भिन्न भिन्न या विभिन्न दरों से विकसित होते हैं, तो ये बात सही है क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, तो हम कह सकते हैं जो विकास की दर है वो भिन्न भिन्न बच्चों में भिन्न भिन्न तरीके से होती है। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमबद्ध होता है, क्रमबद्ध का मतलब सिक्वेंशनल होता है, यानी क्रमबद्ध तरीके से होता है, ठीक है, तो ये भी बात सही है। विकास धीरे धीरे होता है, शनि शनि का मतलब धीरे धीरे, तो ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। तो ये 3 बात सही थी, तो फिर 4 नंबर की बात है वो गलत हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? विकास एक निश्चित उम्र के बाद रुक जाता है, आप जानते होंगे निश्चित उम्र पर नहीं रुकता, विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। इस प्रकार का क्वेश्चन है, हमने किसी ने क्वेश्चन पेपर बिहार का देखा हो, मैंने सॉल्यूशन कराया था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा है, तो हम कहेंगे विकास है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, जो सामान्य सिद्धांत नहीं है ये, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें आपको 2 ऑप्शन दे रखे हैं, 2 ऑप्शन अदर साइड में है, तो देख लीजिए। ये कह रहा है कि मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है, जो मानव विकास के संबंध में जो कथन गलत है वो चूज करना है। जैसे विकास रेखीय होता है, आप जानते होंगे विकास रेखीय ना होकर स्पायरल होता है, ठीक है, तो इसका पहला ही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत पूछा है ना, तो गलत ये पहला ही कथन हो जाएगा। बाकी ये प्रिडिक्टेबल होता है या पूर्वमानवीय होता है, ये बात सही है। और भी ऑप्शन देख लेते हैं, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये भी बात सही है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ये भी बात सही है, यानी ऑप्शन नंबर इसका 1 गलत था। और विकास लंबवत ना होकर वर्तुलाकार होता है, इससे संबंधित ये आपको कोष्टक में दिया गया है, आप चाहे तो इसकी व्याख्या पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है,
विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी जो गलत है वो चूज करना है। विकास की प्रत्येक अवस्था अपने खतरे होते हैं, तो ये बात सही है। उद्दीपन यानी स्टिमुलेशन से विकास को बढ़ावा नहीं मिलता है, ये गलत कथन हो जाएगा। बाकी विकास सांस्कृतिक परिवर्तन से भी प्रभावित होता है, तो ये बात सही है। विकास की प्रत्येक अवस्था में अपनी एक विशेषता होती है, ये भी बात सही है। यानी दो नंबर इसका ऑप्शन गलत हो जाएगा। स्टिमुलेट का मतलब उद्दीपक होगा, या उद्दीपन है से विकास को बढ़ावा मिलता है, या उकसाने से विकास का भी बढ़ावा मिलता है। इस प्रकार का आपने कथन पढ़ा होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर दो सही हो जाएगा। जैसे उकसाना हुआ, बढ़ावा हुआ, तो ये चीज़ें हैं ना, ये अभिप्रेरक यानी मोटिवेशन का काम करती है, ये ध्यान रखना। ये इस प्रकार के आपको कथन देखने को मिलेंगे। जब भी आपसे ये कथन पूछा जाए कि उद्दीपक है से विकास को बढ़ावा मिलता है, या बढ़ावा मिलता है, या उकसाने से बढ़ता है क्या विकास, तो ये दोनों शब्द हैं ना, ये अभिप्रेरक का कार्य करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस वजह से इसका राइट आंसर दो नंबर ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा था सत्य नहीं है, तो वो दो नंबर सत्य नहीं है, बाकी सभी सत्य थे। ये क्वेश्चन नंबर है आपका नेक्स्ट, जो आपका पूछा है फरवरी 2017 में, जो सी टेट में पूछा है। इसमें बताना है कि विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है, यानी जो सही है वो चूज करना है। आप इन कथनों को ध्यान से पढ़ा करें, क्योंकि कोई विशेषता ऐसी दे रखी होती है डायरेक्टली मालूम हो जाती है, कुछ ऐसी होती है वो सेंटेंस समझना पड़ता है। जैसे विकास भिन्न व्यक्ति में भिन्न भिन्न गति से होता है, इस प्रकार का कथन पढ़ते आए हैं, तो ये बात तो सही है। यानी अगर पहला सही हो गया तो बाकी ये तीनों गलत होंगे। आप देख लीजिए, विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है, उसके बाद रुक जाता है, इस प्रकार का नहीं होता है। विकास जन्म से किशोरावस्था आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर रिवर्सिबल, इस प्रकार का भी क्वेश्चन हमने किया था, तो ये भी गलत है। विकास परिवर्तन एक सीधी रेखा में होता है, सीधी नहीं होता है, स्पायरल में होता है, यानी ये तीनों कथन है वो गलत है, एक सही है केवल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच के संबंध को सही प्रकार से सूचित करता है। ये भी सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब इसमें से देखिए, ये कह रहा है विकास और अधिगम के बीच संबंध को सही प्रकार से सूचित करता है। आप पहला ऑप्शन पढ़िए, विकास एवं अधिगम अंत संबंधित या अंतर्निर्भर होती है। इस प्रकार का कथन हमने पढ़ा था और यह क्वेश्चन भी किया है कि विकास और अधिगम एक दूसरे में अंतर संबंधित होते हैं या अंतर्निर्भर होते हैं, तो ये कथन सही है। दूसरा है विकास अधिगम संबंधित नहीं होते, तो ये गलत है। अधिगम विकास का ध्यान किए बिना गठित होता है, ये भी गलत है। अधिगम की दर है विकास की दर से काफ़ी अधिक होती है, यानी अधिगम की दर है वो विकास की दर से काफ़ी अधिक होती है, ये कहना गलत है। हाँ, ये स्टेटमेंट ऐसे होता कि अधिगम है वो विकास, मतलब ऐसे बोल सकते हैं विकास है वो अधिगम से पीछे रहता है, या ऐसे बोल सकते हैं अधिगम है वो विकास से आगे की ओर बढ़ जाता है, या इस प्रकार का हमने एक क्वेश्चन किया था। ये वाइगोत्स्की का कथन है कि जो अधिगम होता है वो विकास को पीछे छोड़ देता है, इस प्रकार का एक कथन हमने क्वेश्चन किया था पार्ट नंबर दो में, ध्यान दिया हो। लेकिन यहाँ पर कह रहा है काफ़ी अधिक होता है, तो काफ़ी नहीं होता है, ठीक है, पीछे छोड़ देता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये कह रहा है विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताओं तथा योग्यताएँ प्रस्फुटित करता है, तो ये कथन संबंधित किससे है, तो ये आपका श्रीमती हरलोक से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत सी परीक्षा में पूछा हुआ है, ये हरलोक के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, जैसा कि देख पा रहे होंगे, मानव विकास होता है तो हम कहेंगे जैसे कि मात्रात्मक होता है, गुणात्मक भी होता है, एक सीमा तक अमापनीय होता है, ये गलत है, और मात्रात्मक गुणात्मक दोनों होता है, तो ये कथन सही रहेगा। होने को तो मात्रात्मक भी होता है, गुणात्मक भी होता है, लेकिन दोनों ही एक ही ऑप्शन में है, तो चार नंबर ऑप्शन सही रहेगा कहना, तो ऑप्शन नंबर चार सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये आपके हरियाणा टेट में पूछा है 2019 में, कि विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्थक तथ्य यानी सही तथ्य वो चूज करना है। इसमें से देखो दो नंबर ऑप्शन, आनुवांशिकी और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है क्या विकास, तो ये कहना सही रहेगा, बाकी सभी गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये आपका पूछा है सीटेट 2019 में, जुलाई में हुआ था। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है, तो अगर ऑप्शनों को ध्यान से देखें ना, तो ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा, जिसमें आपका फिजिकली यानी शारीरिक,
कॉग्निटिव संज्ञानात्मक और सामाजिक सोशियल और संविकात्मक मतलब इमोशनल, ये सभी चीज़ें विकास के व्यापक आयाम में आती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं इस प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं जो संबंधित है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन है, ये यूपी टेट पे पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो वृद्धि से संबंधित और या विकास से पूछे प्रथम चरण, तो वो एक शारीरिक होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका एक सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि विकास के लिए विभिन्न या निम्नलिखित में से कौन सा कथन उचित होगा, यानी विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन उचित होगा, यानी जो सही है वो चूज करना है। ये सीटेट में पूछा है 2016 में, तो इसमें से हमें राइट आंसर चूज करना है। तो दो नंबर को ऑप्शन को देखिए कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, यानी सामाजिक है वो सांस्कृतिक संदर्भ के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, ये एक बात सही है, हमें उचित कथन बताना था, तो ये दो नंबर हो जाएगा। बाकी विकास, जैसे विकास जन्म से प्रारंभ होता है और समाप्त हो जाता है, तो ये कथन गलत है, जीवन पर्यंत चलता है। विकास एकल आयामी होती है, एकल आयामी का मतलब ये है विकास तो विभिन्न आयामी होता है ना, एक क्षेत्र से थोड़ी संबंधित होता है। विकास पृथक होता है, तो ये तो वही अंतर संबंधित होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर दो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये पूछा है कि विकासात्मक कार्य यानी विकासात्मक कार्य सिद्धांत यानी जिसे डेवलपमेंट टास्क थ्योरी कहते हैं, इसका प्रतिपादन किसने किया था, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, और ये आपने किया था आपके हेविंगहस्ट, यानी ऑप्शन नंबर तीन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है। अगर इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो हम कहेंगे अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित होते हैं, तो ये कहना सही रहेगा। जैसे और भी ऑप्शन देखिए जिसमें कि विकास अधिगम से स्वतंत्र होता है, ये कहना गलत है क्योंकि अंतर संबंधित होते हैं। अधिगम विकास से पीछे रह जाता है, ये गलत कथन है। आप ऐसे कह सकते हैं कि विकास है अधिगम से पीछे रह जाता है, ये वाइगोस्की का कथन था, ये मैं अभी इससे पहले एक क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा था, तो ये ध्यान रखना, ये उल्टा कथन है। अगर इसे ये यानी ये कथन है ये गलत है, इसे उल्टा कर दें, यानी विकास है वो अधिगम से पीछे रह जाता है, तो ये वाइगोस्की का कथन है और ये आपके सीटेट में ही पूछा है। बाकी अधिगम और विकास समान जो समानार्थक पारिवारिक शब्द है, तो ये गलत है, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इसका। ठीक है, बाकी मैंने कथन बता दिए थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये छत्तीसगढ़ में पूछा है कि जो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, तो इनमें से देख लीजिएगा, जैसे कि इसमें से वंशानुक्रम यानी जो पेरेंट्स के लक्षण है ये बिल्कुल करेंगे, परिवार का वातावरण ये भी करेगा, परिवार की सामाजिक स्थिति ये भी करेगी, तो यानी उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, क्षमता के विकास का दूसरा नाम है, इस प्रकार का हमने क्वेश्चन किया था, तो ये परिपक्वता। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है, इन चार ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा, इसे बोलते हैं स्नायु मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, तो ये आपकी संबंधित हो जाएगी हरलॉक से, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे संज्ञानात्मक विकास को बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, तो हम कहेंगे विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, परिवार एवं पास पड़ोस यानी जो पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की है कौन सी, ये कह सकते हैं एजेंसियाँ हैं, इनमें ऑप्शन एजेंसियाँ ही दे रखा है, तो हम कहेंगे प्राथमिक एजेंसियाँ होती हैं, जबकि विद्यालय है वो द्वितीय एजेंसी मानी जाती है, तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, ये पूछा है आपके सीटेट में, इसमें बताना है कि विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है, यानी जो बिल्कुल सही है वो कथन चूज करना है। इन क्वेश्चनों को देखें तो 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है, ये कहना बिल्कुल सही होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इनके अलावा ये क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन
करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ कर देता है। अब इनके ऑप्शन देख लीजिएगा, ये है, जैसे कि इसमें देख पा रहे होंगे, जैसे कि ऑप्शन है, हमने जो क्वेश्चन किया था उसका सीखता, परिपक्वता, विकास और समाजीकरण। आप क्वेश्चन को एक बार और देख लीजिएगा, पूछ क्या रहा है, ये कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करता है, तो वो आपका समाजीकरण कह लो या समाज कह लो। तो इसका राइट आंसर समाजीकरण होगा, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो है आपका, ये बिहार टेट में पूछा हुआ है कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे व वयस्क सीखते हैं। तो वो परिवार से भी सीखेंगे, विद्यालय से भी सीखेंगे, श्रेष्ठ जनों यानी अपने बड़ों से सीखेंगे, तो ये इन सभी से सीखेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये पूछा है समाजीकरण एक प्रक्रिया है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये सी टेट में पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। मूल्यों और विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की जो प्रोसेस होती है उसे हम समाजीकरण कहेंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण की या समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है, जैसे कंप्यूटर, अनुवांशिकता, राजनीतिक दल या परिवार। तो हम जानते हैं परिवार एक महत्वपूर्ण यहाँ पर होगा समाजीकरण से संबंधित। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से क्या तात्पर्य है। तो शिक्षा के क्षेत्र में समाजीकरण का मतलब होता है कि सामाजिक वातावरण में अनुकूल तथा समायोजन से संबंधित होता है समाजीकरण शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि विद्यालय संगठन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है वो चूज करना है, यानी जो कथन है जो गलत है वो चूज करना है। तो आप है इनमें से अगर ध्यान से सभी ऑप्शनों को देख लीजिएगा, फिर उसके बाद आप 2 नंबर ऑप्शन को देखिएगा कि विद्यालय संगठन का रूप परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के साथ नहीं बदलता, जबकि बदलना चाहिए और बदलता भी है, लेकिन ये कर बदलता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका सी टेट में पूछा है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये कह रहा है कि समाजीकरण के संदर्भ में विद्यालय के पास प्राय एक प्रच्छन्न पाठचर्या विद्यमान रहती है या विद्यमान रहती है जिसमें निहित होता है, यानी जो आपकी पाठचर्या करिकुलम है उसमें विद्यमान रहती है, कहाँ पर, विद्यालय में। तो आपको बताना है कि समाजीकरण के संदर्भ में मतलब ऐसी कौन सी विशेषता इसमें है, ठीक है। तो इन 4 ऑप्शनों को ध्यान से देखें, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, क्योंकि अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालय में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं के संबंध अनौपचारिक संकेत हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन है वो सही नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आप मेरे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख रहे हैं कि विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। आपने पढ़ा हुआ एक तो सेक्स होता है, एक जेंडर होता है, उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन पूछा है। तो हम इसमें से ध्यान से देखें तो हम कहेंगे शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहार का अभिसंज्ञान करना यानी ज्ञान देना या समझाना, तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अच्छा, सेक्स होता है, एक होता है जेंडर, ठीक है। जेंडर होता है वो आपका संबंधित होता है सांस्कृतिक बोल सकते हैं या कल्चर से संबंधित होता है जिसे हम अपने समाज में निदान करते हैं, और सेक्स होता है ये बायोलॉजिकल होता है। ये आपको क्वेश्चन है आगे भी मिल जाएंगे इस प्रकार के, और ये MBTET में पूछा हुआ क्वेश्चन था जो मैंने अभी बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम होगा। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा वो परिवार होगा प्राथमिक समाजीकरण का, इस प्रकार का क्वेश्चन और भी किया था हमने अभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि विद्यालय बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहाँ हम कहेंगे इनमें से, जैसे कि इनमें ऑप्शन 4 में से वो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी प्रमुख स्थान विद्यालय बच्चों का होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं विद्यालय बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहाँ पर प्रमुख स्थान विद्यालय बच्चों का होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि सभी अधिगमकर्ताओं के लिए विद्यालय अनुभवों का सबसे प्रमुख पक्ष क्या होगा। ये पहला कथन है कि कक्षा की गतिविधियों का आनंद लेना, साथ ही अधिगम करना, ठीक है। और नेक्स्ट ऑप्शन है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे और भी ऑप्शन है जो दे रखे हैं यहाँ पे, ये कह रहा है सेकेंड ऑप्शन है विभिन्न अकादमी विषयों में उच्च प्राप्तांक पाना, तीसरा ऑप्शन है उत्तरदायित्वपूर्ण जीवन यापन, अपनी देखभाल करना या सीखना, समाज में दूसरों के साथ अनुशासित रहना सीखना। हमें क्वेश्चन ये पूछा था कि सभी अधिगमकर्ताओं के लिए विद्यालय अनुभव का सबसे प्रमुख पक्ष क्या रहेगा, तो सबसे प्रमुख पक्ष यही रहेगा कि समाज में दूसरों के साथ अनुशासित रहना और सीखना, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण के गौड़ भाग हो सकते हैं। अगर इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो हम कहेंगे विद्यालय और आस पड़ोस, तो ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है, इनमें से बताना है कौन सा समाजीकरण की प्रक्रिया में संबंधित नहीं है, तो हम कहेंगे आनुवंशिक संचरण है, वो आपके समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं होगा, बाकी सभी चीज़ें हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है, तो इन ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो हम कहेंगे अपना परिवार है, ये अधिक हस्तांतरण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, ये आपके एमपीटेट में पूछा है कि बच्चों के समाजीकरण करने की दो विधियों में से स्नेह परक सजा एवं फिल इन द ब्लैंक्स, तो हम कहेंगे कि उद्देश्य परक सजा सम्मिलित होगी, ऑप्शन नंबर दो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बालक का समाजीकरण किससे संबंधित नहीं है, और ये आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, ये हरियाणा टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसका अगर हम आंसर निकाले तो वो होगा वह प्रक्रिया जो तुरंत हो जाती है, तो ये बालक का समाजीकरण से संबंधित नहीं है, तो ये दो नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं, ये कह रहा है विकास का मनोसामाजिक अवस्था दृष्टिकोण प्रतिपादन किया था, किसने किया था। आप जानते हो जब भी हम साइकोलॉजिकल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट की बात करते हैं, मनोसामाजिक का मतलब यहाँ पे एरिक्सन से संबंधित हो जाएगा, तो चार नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चार नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, एरिक्सन के बारे में बताया गया है कि ये नव प्राइडवादी हैं, ठीक है, उन्हीं के शिष्य हुआ करते थे, और इनकी जो बुक है चाइल्डहुड एंड सोसाइटी 1963 में स्पष्ट किया था इन्होंने इसके बारे में। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एरिक्सन ने विकास की कितनी अवस्थाएं बताई, तो इन्होंने 8 अवस्थाएं बताई थी, ठीक है, वो 8 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं वो आप देख लीजिएगा, जैसे विश्वास बना अविश्वास, इसे ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट बोलते हैं, जो एक कम से कम जन्म से एक साल तक मानी जाती, स्वायत्तता बना लज्जा यानी शक, जिसे ऑटोनॉमी वर्सेज सेम या एंड डाउट बोलते हैं 1 से 3 वर्ष तक के बच्चों में, पहल बनाम दोष यानी इनिशिएटिव वर्सेज गिल्ट, तो ये 3 से 5 वर्ष, परिश्रम बनाम हिता इंडस्ट्री वर्सेज इंफेरिटी, ये बाल्यावस्था की विशेषता, पहचान बनाव संभ्रांति जिसे बोलते हैं हम, नेक्स्ट है कि पहचान बनाव संभ्रांति जिसे आइडेंटिटी वर्सेज रोल कन्फ्यूजन बोलते हैं, जो आपकी किशोरावस्था से, इसके अलावा घनिष्ठता बनाव अलगाव, और फिर लास्ट में जननात्मकता बनाव स्थिरता, और लास्ट में आती है 8वीं नंबर की संपूर्ण बनाव निराशा। तो इस प्रकार ये 8 अवस्थाएँ, और इनसे क्वेश्चन हर वर्ष पूछे जाते हैं भिन्न भिन्न परीक्षाओं में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, ये हमने क्वेश्चन लास्ट किया था, ये एरिक्सन से संबंधित था, और इनके अलावा ये क्वेश्चन है कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, तो अब चलो देख लेते हैं, ये फ्लैट से ही बना है, यानी पहचान विकास संबंधित है, पहचान का मतलब होता है आइडेंटिटी, तो ये किससे संबंधित है, तो ये एरिक्सन के सिद्धांत से संबंधित है, और ये अवस्था नंबर 5 है। कैसे मैंने कह दिया आप है, इसे डायग्राम इसको देखिए सारणी को, इसमें पूछा था आइडेंटिटी आती है आपकी आइडेंटिटी वर्सेज रोल कन्फ्यूजन आता है आपकी 5वीं अवस्था, तो 5वीं अवस्था देख लीजिए, ये आइडेंटिटी वर्सेज कन्फ्यूजन, तो 12 से 18 वर्ष तक किशोरावस्था से संबंधित है, इस वजह से ये 5वीं अवस्था थी, और यही क्वेश्चन में पूछा है कि पहचान अवस्था संबंधित है या पहचान विकास, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका एरिक्सन की 5वीं अवस्था से संबंधित है। ये कह रहा है कौन सी आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं दी थी, तो जन्म से कांति थी मृत्यु तक, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा।
बिल्कुल सही है, एक ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो गैप भावनाओं की ओर ले जा सकता है, यानी ये बताना है। पहल बनाव, आप एक बार इस सारणी को देखिए, इसमें दे रखा है, देखो पहल बनाव, ये आपकी है तीसरी अवस्था, देखिए तीसरी अवस्था के पहल बनाव दोष यानी इनिशिएटिव वर्ष गिल्टी, ये 3 से 5 वर्ष होता है। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, अब ये क्वेश्चन कह रहा है बालक अधिक पहल करता है और लेकिन बहुत सतर्क भी हो जाता है, ये 3 से 5 वर्ष की अवस्था है, कौन से नंबर की, तीसरी है, ठीक है। तो इस प्रकार इसका नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है जो आपका नेक्स्ट है कि परिश्रमीयता बनावहीनता यानी ये है आपकी इंडस्ट्री वर्सेज इन्फेरिटी, तो ये 4 नंबर की अवस्था थी जो बाल अवस्था से संबंधित थी, और ये सारणी में मैंने आपको बता दूँ एक बार, एक और देख लीजिएगा। देख 4 नंबर की अवस्था है परिश्रम बनावहीनता जो ये है इंडस्ट्री वर्सेज इन्फेरिटी जो 6 से 12 वर्ष के बाल अवस्था से संबंधित है, यही क्वेश्चन हमने पूछा था अभी आपसे ये वाला, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि अरे एरिक्सन के अनुसार बच्चों का मनोसामाजिक विकास 8 चरणों में होता है, 1 कक्षा 3 का छात्र जिसकी लगभग 9 साल के आसपास उम्र होगी विकास के किस चरण में मिल खाता है, आप भी जानते होंगे 6 से 12, तो बाल्यावस्था, बाल्यावस्था का मतलब होता है परिश्रम बनावहीनता, तो परिश्रम बनावहीनता होती है कि इंटरेस्टिव वर्सेस इन्फेरिटी, तो परिश्रम बनावहीनता ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था की क्या विशेषता होती है, तो हम जानते हैं क्या होता है पहचान, तो उसे पहचान को हम बोलते हैं तादात्मकता बनाव भ्रांति, यानी हम इसे बोलते हैं इंग्लिश में, अभी हमने बात की थी ये कही थी क्या कही थी आइडेंटिटी वर्सेज रोल कन्फ्यूजन ऐसे बोला था, तो वो यही इसी से तादात्म्य मतलब होता है आइडेंटिटी, बनाव भ्रांति का मतलब हो जाएगा आपका कन्फ्यूजन, इस प्रकार हम बोल सकते हैं आइडेंटिटी वर्सेज रोल कन्फ्यूजन, तो ऑप्शन नंबर ये 4 से संबंधित है और ये 5वीं अवस्था थी जिसकी उम्र 12 से 18 बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये कह रहा है कि एरिक्सन मतलब एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था के लिए नियामक संकट है, नॉर्मेटिव क्राइसिस है, तो इसमें से बताओ क्या है, तो हम कहेंगे पहचान बनाव भूमिका संभ्रम, यानी इसे बोल सकते हैं आइडेंटिटी बस है रोल कन्फ्यूजन, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एरिक्सन द्वारा प्रदत्त किशोरावस्था की मनोसामाजिक अवस्था है, तो हमें बताना है किशोरावस्था की विशेषता, तो मैंने बताया था ये 5वीं अवस्था होती है, पहचान बनाव भूमिका संघर्ष, देखो भिन्न भिन्न नामों से है लेकिन इंग्लिश ध्यान रखोगे तो एक से ही काम हो जाएगा, यानी आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन 5वीं अवस्था है, 12 से 18 वर्ष उम्र मानी गई है, और सिंपल है इसी से आपके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सीटेट में पूछा है निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है, तो ये किससे संबंधित है, तो ये आपके संबंधित हो जाएगा लेव वाइगोत्स्की, यानी जो SCL की बात करते हैं सोशल लैंग्वेज और कल्चरल, ये जीन प्याजी से संबंधित है कि ये संज्ञानात्मक विकास क्षेत्र से भी संबंधित रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वाइगोत्स्की के अनुसार एक बच्चा जिन कार्यों को अपने से दक्ष व्यक्ति की सहायता से पूरा करता है तो इसे क्या कहेंगे, तो उसे हम कहते हैं क्या कहते हैं ZPD, ZPD यानी ये इससे संबंधित हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन थे। ZPD का मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है, तो ये हम कह सकते हैं सभी पर विकास क्षेत्र होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने सामाजिक रचनावाद यानी जिसे कंस्ट्रक्टिविज्म बोलते हैं दर्शन पर अत्यधिक बल दिया है, तो उन्होंने दिया है वाइगोत्स्की, ठीक है। मैं पूछा है कि इसके फोल्डिंग की संकल्पना है वो किसने दी थी, तो वो आपके दी थी वाइगोत्स्की ने, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है ये कह रहा है कि वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से उपकरण एक व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास में सहायता प्रदान करते हैं, जैसे कि सामाजिक सांस्कृतिक उपकरण, दूसरा भौतिक
सामविविक व्यक्तिगत, तो हम जानते हैं सामाजिक और आपके सांस्कृतिक यही है। एस सी एल का मतलब सामाजिक और सोशियल, सीते कल्चरल और एल सी लैंग्वेज, इन्हीं पे बात की ज़्यादातर बायोग्राफी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि समीपस्थ विकास का संप्रत्य किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो वाइगोस्की के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि किसके मत के अनुसार ज्ञान की रचना में सामाजिक अंतक्रिया की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, तो वो वाइगोस्की के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर स्कैफोल्डिंग निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक विकास क्षेत्र से संबंधित होता है, तो ये आपके संबंधित हो जाएगा वाइगोस्की से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि इसमें से आपको असंगत बताना है, यानी जो गलत है, जैसे कि यानी जीन प्याजे हैं वो संज्ञानात्मक रचनावादी है, जैसे जीन प्याजे ब्रेस बोर्ड है ये एकड अनुदेशन से संबंधित है, बी एफ स्किनर है वो व्यवहारवादी है, और जो आपके वाइगोस्की हैं वो व्यक्तिगत रचनावादी है। अगर इन ऑप्शनों को ध्यान से देखें ना, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर चार हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ये व्यक्तिगत रचनावादी नहीं है, ये संज्ञानात्मक रचनावादी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर चार सही हो जाएगा। बाकी जीन प्याजे संज्ञानात्मक से संबंधित हैं, उसके अलावा जे जो ब्रेस वर्ड है वो भी अनुदेशन से संबंधित है, बी एस स्किनर हैं या बी एफ स्किनर हैं वो आपके व्यवहारवादी से संबंधित है, लेकिन चार नंबर ऑप्शन है ना जो व्यक्तिगत रचनावादी नहीं है, ये आपके संज्ञानात्मक रचनावादी है, इसी का समर्थन करते हैं वाइगोस्की। सी टेन ने पूछा है कि बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोस्की से सहमत है वो बताना है, तो वाइगोस्की से सहमत है वो बताना है, तो ऑप्शन नंबर तीन सही हो जाएगा। बच्चे समवयस्क और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतक्रिया के माध्यम से सीखते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका तीन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वाइगोस्की से फिर संबंधित है कि वाइगोस्की ने बाल विकास के बारे में कहा है, क्या कहा है? हम कहेंगे कि संस्कारों की यानी संस्कारों की आनुवंशिकी के कारण होता है, सामाजिक की अंतक्रिया का उत्पाद होता है, औपचारिक शिक्षा का उत्पाद होता है, या यह समावेशन और समायोजन का परिणाम होता है। ये चारों ही ऑप्शन ठीक है, लेकिन अब बात करें इनमें से करेक्ट कौन सा है, तो हम कहेंगे सामाजिक, क्योंकि एस सी एल की बात करते हैं आपके वाइगोस्की, तो सोशियल कल्चरल यानी यह एक सामाजिक अंतक्रिया का उत्पाद होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका दो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि वाइगोस्की बच्चों को सीखने के लिए निम्नलिखित में से किस कारक को महत्वपूर्ण मानते हैं, तो हम कहेंगे वो आपको सामाजिक को मानते हैं, यानी समाज को, सोशल को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है लेव वाइगोस्की के अनुसार अधिगम है, तो अधिगम एक हम कह सकते हैं कि सामाजिक प्रक्रिया या गतिविधि है, तो ऑप्शन नंबर दो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है वाइगोस्की के अनुसार वह कार्य जो बालक के स्वयं के लिए अत्यधिक कठिन है परंतु किसी प्रौढ़ और अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव हो तो इसे क्या कहेंगे, तो उसे हम स्कैफोल्डिंग बोलते हैं या पांड्या ढांचा बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका दो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है लेव वाइगोस्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतम संज्ञानात्मक प्रक्रिया में बदला जा सकता है, तो वो बदला जा सकता है सामाजिक पारस्परिक क्रियाओं के द्वारा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है ये कह रहा है जब बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं तो उन्हें लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं, तो हम उसे क्या कहेंगे, व्यक्तिगत वार्ता कहेंगे या अहम केंद्रता कहेंगे, तो हम कहेंगे प्राइवेट स्पीच, और प्राइवेट स्पीच को हम कहते हैं व्यक्तिगत वार्ता, तो ऑप्शन नंबर तीन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका छात्रों को भाषागत विकास में सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला भाज्य है जो सामाजिक परिस्थिति है ये किसका कथन है, तो ये आपके लेव वाइगोस्की से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है वाइगोस्की समस्थितियों के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना है, और ये चार ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से बताना है, तो मोस्टली हमने इससे पहले भी बात की थी प्राइवेट स्पीच की, तो ये संबंधित होगी कि स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं, यानी खुद से भाषा का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है वाइगोस्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता, किससे नहीं किया जा सकता, तो हम कहेंगे ये आपके उसके सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि लेव वाइगोस्की के अनुसार आपको बताना है इन चारों कथनों में से कौन सा सही है, तो हम कहेंगे इनमें से कि भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल सकती है, ये लेव वाइगोस्की ऐसा कहते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। इनके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है, तो हम कहें जो सामाजिक
अनुन क्रिया हो जाएगी, ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, तो हम कहेंगे बच्चे है वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करने से सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि वाइगोस्की के अनुसार बच्चे स्वयं को क्या बोलते हैं या क्या बोलते हैं, तो हम कहें बच्चे अपने प्रति वयस्क का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं, नहीं बच्चे स्वयं को बात नहीं, बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, ये कहीं कहीं हो सकता है। लेकिन चार नंबर ऑप्शन देखिए, बच्चे अपने कार्यों को दिशा देने के लिए बोलते हैं, यानी व्यक्तिगत वार्ता बोलते हैं, तो वो अपने कार्यों के लिए दिशा देने के लिए बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर चार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि समीपज विकास क्षेत्र है, और ये आपको लैब वाइगोस्की के अनुसार बताने हैं, और ये आपके चार ऑप्शन दे रखे हैं। अगर इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो हम कहेंगे इसमें से ऑप्शन नंबर तीन सही हो जाएगा। बच्चे के हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो, आई होप आप बच्चे होंगे। आज हम जो आपके CDP संबंधित क्वेश्चन कर रहे थे, यानी साइकोलॉजी से संबंधित, तो हम आज पार्ट नंबर थ्री करेंगे, जिसमें आपके हम हर पार्ट में 30 क्वेश्चन करते हैं। तो कल के पार्ट में हमने 20 क्वेश्चन किए थे, तो आज है हम 40 क्वेश्चन कर लेते हैं, तो वो बराबर हो जाएगा, यानी प्रत्येक दिन 30 क्वेश्चन वाला सिस्टम, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं इसमें 30 क्वेश्चन किस प्रकार आएंगे। वही है, बाल विकास से संबंधित क्वेश्चन चल रहे हैं, ये आपका थर्ड पार्ट है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन पहला पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास की प्रकृति को सही रूप में प्रदर्शित करता है। ये चार ऑप्शन है, अगर इन चार ऑप्शन को ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। विकास एक सतत प्रक्रिया है, इनके अलावा जैसे कि विकास आनुवंशिकी के कारण होता है, ये बात सही है, लेकिन साथ ही साथ वातावरण भी शब्द आता है, तब हम कह सकते हैं दोनों से अंतर संबंधित होता है, ठीक है। तो इस वजह से ये दो नंबर गलत है। तीन नंबर, सभी व्यक्तियों में विकास की दर समान है, जबकि समान ही होती, कैसी होती है, भिन्न भिन्न होती है, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट है, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। आप जानते हैं, हम जो प्रीवियस वीडियो उसमें भी बात कर सके कर चुके हैं कि विकास है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, तो ये भी गलत है। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर एक सही था, इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है, आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें पूछा है कौन सा विकास का सामान्य नियम नहीं है, यानी एक तरह से कह सकते हैं कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें आप ध्यान से देखिए, हमें पूछा है नहीं है, जैसे कि व्यक्ति भिन्न भिन्न या विभिन्न दरों से विकसित होती है, तो ये बात सही है, क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, तो हम कह सकते हैं जो विकास की दर है वो भिन्न भिन्न बच्चों में भिन्न भिन्न तरीके से होती है। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमबद्ध होता है, क्रमबद्ध का मतलब सिक्वेंशनल होता है, यानी क्रमबद्ध तरीके से होता है, ठीक है, तो ये भी बात सही है। विकास धीरे धीरे होता है, शनि शनि का मतलब धीरे धीरे, तो ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। तो ये तीनों बात सही थी, तो फिर चार नंबर की बात है वो गलत हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, विकास एक निश्चित उम्र के बाद रुक जाता है। आप जानते होंगे निश्चित उम्र पर नहीं रुकता, विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है, इस प्रकार का क्वेश्चन है। हमने किसी ने क्वेश्चन पेपर बिहार का देखा हो, मैंने सॉल्यूशन कराया था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा है, तो हम कहेंगे विकास है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा चार, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर चार सही हो जाएगा, जो सामान्य सिद्धांत नहीं है ये, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें आपको दो ऑप्शन दे रखे हैं, दो ऑप्शन अदर साइड में है, तो देख लीजिए। ये कह रहा है कि मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है, जो मानव विकास के संबंध में जो कथन गलत है वो चूज करना है। जैसे विकास रेखीय होता है, आप जानते होंगे विकास रेखीय न होकर स्पाइरल होता है, ठीक है, तो इसका पहला ही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत पूछा है ना, तो गलत ये पहला ही कथन हो जाएगा। बाकी ये प्रिडिक्टेबल होता है, यानी पूर्वानुमेय होता है, ये बात सही है। और भी ऑप्शन देख लेते हैं, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये भी बात सही है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ये भी बात सही है, यानी ऑप्शन नंबर इसका एक गलत था। और विकास लंबवत ना होकर वर्तुलाकार होता है, इससे संबंधित ये आपको कोष्टक में दिया गया है, आप चाहे तो इसकी व्याख्या पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी जो गलत है वो चूज करना है। विकास की प्रत्येक अवस्था अपने खतरे होते हैं, तो ये बात सही है। उद्दीपन यानी स्टिमुलेशन से विकास को बढ़ावा नहीं मिलता है, ये गलत कथन हो जाएगा। बाकी विकास सांस्कृतिक परिवर्तन से भी प्रभावित होता है, तो ये बात सही है। विकास की प्रत्येक अवस्था में अपनी एक विशेषता होती है, ये भी बात सही है, यानी दो नंबर इसका ऑप्शन गलत हो जाएगा। स्टिमुलेट का मतलब उद्दीपक होगा, या उद्दीपन है से विकास को बढ़ावा मिलता है, या उकसाने से विकास का भी बढ़ावा मिलता है, इस प्रकार का आपने कथन पढ़ा होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर दो सही हो जाएगा। जैसे
उकसाना हुआ, बढ़ावा हुआ, तो ये चीज़ें हैं ना, ये अभिप्रेरक यानी मोटिवेशन का काम करती है। ये ध्यान रखना, ये इस प्रकार के आपको कथन देखने को मिलेंगे। जब जब भी आपसे ये कथन पूछा जाए कि उद्दीपक है से विकास को बढ़ावा मिलता है या बढ़ावा मिलता है या उकसाने से बढ़ता है क्या विकास, तो ये दोनों शब्द हैं ना, ये अभिप्रेरक का कार्य करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस वजह से इसका राइट आंसर दो नंबर ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा था सत्य नहीं है, तो वो दो नंबर सत्य नहीं है, बाकी सभी सत्य थे। ये क्वेश्चन नंबर है आपका नेक्स्ट, जो आपका पूछा है फरवरी 2017 में, जो CTET में पूछा है। इसमें बताना है कि विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है, यानी जो सही है वो चूज करना है। आप इन कथनों को ध्यान से पढ़ा करें, क्योंकि कोई विशेषता ऐसी दे रखी होती है डायरेक्टली मालूम हो जाती है, कुछ ऐसी होती है वो सेंटेंस समझना पड़ता है। जैसे विकास भिन्न व्यक्ति में भिन्न भिन्न गति से होता है, इस प्रकार का कथन हम पढ़ते आए, तो ये बात तो सही है। यानी अगर पहला सही हो गया तो बाकी ये तीनों गलत होंगे। आप देख लीजिए, विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है, उसके बाद रुक जाता है, इस प्रकार का नहीं होता है। विकास जन्म से किशोरावस्था आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर रिवर्सिबल, इस प्रकार का भी क्वेश्चन हमने किया था, तो ये भी गलत है। विकास परिवर्तन एक सीधी रेखा में होता है, सीधी नहीं होता है, स्पायरल में होता है। यानी ये तीनों कथन है वो गलत है, एक सही है केवल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच के संबंध को सही प्रकार से सूचित करता है। ये भी CTET में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप इसमें से देखिए, ये कह रहा है विकास और अधिगम के बीच संबंध को सही प्रकार से सूचित करता है। आप पहला ऑप्शन पढ़िए, विकास एवं अधिगम अंत संबंधित या अंतर्निर्भर होते हैं। इस प्रकार का कथन हमने पढ़ा था और यह क्वेश्चन भी किया है कि विकास और अधिगम एक दूसरे में अंतर संबंधित होते हैं या अंतर्निर्भर होते हैं, तो ये कथन सही है। दूसरा है, विकास अधिगम संबंधित नहीं होते, तो ये गलत है। अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है, ये भी गलत है। अधिगम की दर है विकास की दर से काफ़ी अधिक होती है, यानी अधिगम की दर है वो विकास की दर से काफ़ी अधिक होती है, ये कहना गलत है। हाँ, ये स्टेटमेंट ऐसे होता कि अधिगम है वो विकास, मतलब ऐसे बोल सकते हैं विकास है वो अधिगम से पीछे रहता है, या ऐसे बोल सकते हैं अधिगम है वो विकास से आगे की ओर बढ़ जाता है, या इस प्रकार का हमने एक क्वेश्चन किया था। ये वाइगोत्स्की का कथन है कि जो अधिगम होता है वो विकास को पीछे छोड़ देता है, इस प्रकार का एक कथन हमने क्वेश्चन किया था पार्ट नंबर 2 में, ध्यान दिया हो। लेकिन यहाँ पर कह रहा है काफ़ी अधिक होता है, तो काफ़ी नहीं होता है, ठीक है, पीछे छोड़ देता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये कह रहा है विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताओं तथा योग्यताएँ प्रस्फुटित करता है, तो ये कथन संबंधित किससे है, तो ये आपका श्रीमती हरलोक से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है। ये बौसी परीक्षा पूछा हुआ है, ये हर लॉक के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, जैसा कि देख पा रहे होंगे, मानव विकास होता है तो हम कहेंगे जैसे कि मात्रात्मक होता है, गुणात्मक भी होता है, एक सीमा तक अमापनीय होता है, ये गलत है, और मात्रात्मक गुणात्मक दोनों होता है, तो ये कथन सही रहेगा। होने को तो मात्रात्मक भी होता है गुणात्मक भी होता है, लेकिन दोनों ही एक ही ऑप्शन में, तो 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा कहना, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये आपके हरियाणा टेट में पूछा है 2019 में, कि विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्थक तथ्य, यानी सही तथ्य है वो चूज करना है। इसमें से देखो, 2 नंबर ऑप्शन, आनुवांशिकी या वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है क्या विकास, तो ये कहना सही रहेगा, बाकी सभी गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये आपका पूछा है CTET 2019 में, जुलाई में हुआ था। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है, तो अगर ऑप्शनों को ध्यान से देखें ना, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जिसमें आपका फिजिकली यानी शारीरिक, कॉग्निटिव संज्ञानात्मक और सामाजिक सोशल और संविकात्मक मतलब इमोशनल, ये सभी चीज़ें विकास के व्यापक आयाम में आती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं इस प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, जो संबंधित है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण होगा, इस प्रकार का क्वेश्चन है, ये UPTET पे पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो वृद्धि से संबंधित और या विकास से पूछे प्रथम चरण, तो वो एक शारीरिक होगा,
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका एक सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि विकास के लिए विभिन्न या निम्नलिखित में से कौन सा कथन उचित होगा, यानी विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन उचित होगा, यानी जो सही है वो चूज करना है। ये सीटेट में पूछा है 2016 में, तो इसमें से हमें राइट आंसर चूज करना है। तो दो नंबर को ऑप्शन को देखिए कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, यानी सामाजिक है वो सांस्कृतिक संदर्भ के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, ये बात सही है। हमें उचित कथन बताना था, तो ये दो नंबर हो जाएगा। बाकी विकास, जैसे विकास जन्म से प्रारंभ होता है और समाप्त हो जाता है, तो ये कथन गलत है, जीवन पर्यंत चलता है। विकास एकल आयामी होती है, एकल आयामी का मतलब ये है विकास तो विभिन्न आयामी होता है ना, एक क्षेत्र से थोड़ी संबंधित होता है। विकास पृथक होता है, तो ये तो वही अंतर संबंधित होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर दो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये पूछा है कि विकासात्मक कार्य यानी विकासात्मक कार्य सिद्धांत यानी जिसे डेवलपमेंट टास्क थ्योरी कहते हैं, इसका प्रतिपादन किसने किया था, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। और ये आपने किया था आपके हैविंग हस्ट, यानी ऑप्शन नंबर तीन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है। अगर इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो हम कहेंगे अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित होते हैं, तो ये कहना सही रहेगा। जैसे और भी ऑप्शन देखिए जिसमें कि विकास अधिगम से स्वतंत्र होता है, ये कहना गलत है क्योंकि अंतर संबंधित होते हैं। अधिगम विकास से पीछे रह जाता है, ये गलत कथन है। आप ऐसे कह सकते हैं कि विकास है अधिगम से पीछे रह जाता है, ये वाइकोस्की का कथन था, ये मैं अभी इससे पहले एक क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा था, तो ये ध्यान रखना, ये उल्टा कथन है। अगर इसे ये यानी ये कथन है ये गलत है, इसे उल्टा कर दें, यानी विकास है वो अधिगम से पीछे रह जाता है, तो ये वाइकोस्की का कथन है और ये आपके सीटेट में ही पूछा है। बाकी अधिगम और विकास समान जो समानार्थक पारिभाषिक शब्द है, तो ये गलत है, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इसका, ठीक है। बाकी मैंने कथन बता दिए थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये छत्तीसगढ़ में पूछा है कि जो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, तो इनमें से देख लीजिएगा, जैसे कि इसमें से वंशानुक्रम यानी जो पेरेंट्स के लक्षण हैं ये बिल्कुल करेंगे, परिवार का वातावरण ये भी करेगा, परिवार की सामाजिक स्थिति ये भी करेगी, तो यानी उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, क्षमता के विकास का दूसरा नाम है, इस प्रकार का हमने क्वेश्चन किया था, तो ये परिपक्वता। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है, इन चार ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, इसे बोलते हैं स्नायु मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, तो ये आपकी संबंधित हो जाएगी हरलॉक से, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे संज्ञानात्मक विकास को बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, तो हम कहेंगे विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, परिवार एवं पास पड़ोस यानी जो पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की है, कौन सी ये कह सकते हैं एजेंसियाँ हैं, इनमें ऑप्शन एजेंसियाँ ही दे रखा है, तो हम कहेंगे प्राथमिक एजेंसियाँ होती हैं, जबकि विद्यालय है वो द्वितीय एजेंसी मानी जाती है, तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, ये पूछा है आपके सीटेट में, इसमें बताना है कि विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है, यानी जो बिल्कुल सही है वो कथन चूज करना है। इन क्वेश्चनों को देखें तो दो नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है, ये कहना बिल्कुल सही होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इनके अलावा ये क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक से एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ कर देता है। अब इनके ऑप्शन देख लीजिएगा, ये है जैसे कि इसमें देख पा रहे होंगे, जैसे कि ऑप्शन है, हमने जो क्वेश्चन किया था उसका सीखता परिपक्वता विकास और समाजीकरण। आप क्वेश्चन को एक बार और देख लीजिएगा, पूछ क्या रहा है, ये कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करता है, तो वो आपका समाजीकरण कह लो या समाज कह लो, तो इसका राइट आंसर समाजीकरण होगा, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे होंगे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो है आपका, ये बिहार टेट में पूछा हुआ है कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे व वयस्क सीखते हैं। तो वो परिवार से भी सीखेंगे, विद्यालय से भी सीखेंगे, श्रेष्ठ जनों यानी अपने बड़ों से सीखेंगे, तो ये इन सभी से सीखेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये पूछा है समाजीकरण एक प्रक्रिया है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये सी टेट में पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। मूल्यों और विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की जो प्रोसेस होती है उसे हम समाजीकरण कहेंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण की या समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है, जैसे कंप्यूटर, अनुवांशिकता, राजनीतिक दल या परिवार। तो हम जानते हैं परिवार एक महत्वपूर्ण यहाँ पर होगा समाजीकरण से संबंधित। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से क्या तात्पर्य है। तो शिक्षा के क्षेत्र में समाजीकरण का मतलब होता है कि सामाजिक वातावरण में अनुकूल तथा समायोजन से संबंधित होता है समाजीकरण शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि विद्यालय संगठन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है वो चूज करना है, यानी जो कथन है जो गलत है वो चूज करना है। तो आप है इनमें से अगर ध्यान से सभी ऑप्शनों को देख लीजिएगा, पर उसके बाद आप 2 नंबर ऑप्शन को देखिएगा कि विद्यालय संगठन का रूप परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के साथ नहीं बदलता, जबकि बदलना चाहिए और बदलता भी है, लेकिन ये कर बदलता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका सी टेट में पूछा है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये कह रहा है कि समाजीकरण के संदर्भ में विद्यालय के पास प्राय एक प्रच्छन्न पाठचर्या विद्यमान रहती है या विद्यमान रहती है जिसमें निहित होता है, यानी जो आपकी पाठचर्या करिकुलम है उसमें विद्यमान रहती है, कहाँ पर विद्यालय में। तो आपको बताना है कि समाजीकरण के संदर्भ में मतलब ऐसी कौन सी विशेषता इसमें है, ठीक है। तो इन 4 ऑप्शनों को ध्यान से देखें, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, क्योंकि अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालय में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं के संबंध अनौपचारिक संकेत हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन है वो सही नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आप मेरे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख रहे हैं कि विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। आपने पढ़ा हुआ एक तो सेक्स होता है, एक जेंडर होता है, उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन पूछा है। तो हम इसमें से ध्यान से देखें तो हम कहेंगे शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहार का अभिसंज्ञान करना यानी ज्ञान देना या समझाना, तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अच्छा, सेक्स होता है, एक होता है जेंडर, ठीक है। जेंडर होता है वो आपका संबंधित होता है सांस्कृतिक बोल सकते हैं या कल्चर से संबंधित होता है जिसे हम अपने समाज में निदान करते हैं, और सेक्स होता है ये बायोलॉजिकल होता है। ये आपको क्वेश्चन है आगे भी मिल जाएंगे इस प्रकार के, और ये एमबी टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन था जो मैंने अभी बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम होगा। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा वो परिवार होगा प्राथमिक समाजीकरण का, इस प्रकार का क्वेश्चन और भी किया था हमने अभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि विद्यालय बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहाँ हम कहेंगे इनमें से, जैसे कि इनमें ऑप्शन 4 में से वो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी प्रमुख स्थान विद्यालय बच्चों का होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं विद्यालय बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहाँ पर प्रमुख स्थान विद्यालय बच्चों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि सभी अधिगमकर्ताओं के लिए विद्यालयी अनुभवों का सबसे प्रमुख पक्ष क्या होगा। ये पहला कथन है कि कक्षा की गतिविधियों का आनंद लेना, साथ ही अधिगम करना, ठीक है। और नेक्स्ट ऑप्शन है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, और भी ऑप्शन है जो दे रखे हैं यहाँ पे, ये कह रहे हैं सेकेंड ऑप्शन है विभिन्न अकादमी विषय में उच्च प्राप्तांक पाना, तीसरा ऑप्शन है उत्तरदायित्वपूर्ण जीवन यापन, अपनी देखभाल करना या सीखना, समाज में दूसरों के साथ अनुशासित रहना सीखना,
हमें कुछ ने ये पूछा था कि सभी अधिगमकर्ताओं के लिए विद्यालय अनुभव का सबसे प्रमुख पक्ष क्या रहेगा। तो सबसे प्रमुख पक्ष यही रहेगा कि समाज में दूसरों के साथ अनुशासित रहना और सीखना। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण के गौड़ भाग हो सकते हैं। अगर इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो हम कहेंगे विद्यालय और आस पड़ोस, तो ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है, इनमें से बताना है कौन सा समाजीकरण की प्रक्रिया में संबंधित नहीं है। तो हम कहेंगे आनुवंशिक संचरण है, वो आपके समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं होगा, बाकी सभी चीज़ें हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है। तो इन ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो हम कहेंगे अपना परिवार है, ये अधिक हस्तांतरण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, ये आपके एमपीटेट में पूछा है कि बच्चों के समाजीकरण करने की दो विधियों में से स्नेह परक सजा एवं फिल इन द ब्लैंक्स। तो हम कहेंगे कि उद्देश्य परक सजा सम्मिलित होगी, ऑप्शन नंबर दो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बालक का समाजीकरण किससे संबंधित नहीं है, और ये आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। ये हरियाणा टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसका अगर हम आंसर निकाले तो वो होगा वह प्रक्रिया जो तुरंत हो जाती है, तो ये बालक का समाजीकरण से संबंधित नहीं है, तो ये दो नंबर ऑप्शन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं, ये गर्भ विकास का मनोसामाजिक अवस्था दृष्टिकोण प्रतिपादन किया था, किसने किया था। आप जानते हो जब भी हम साइकोलॉजिकल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट की बात करते हैं, मनोसामाजिक का मतलब यहाँ पे एरिक्सन से संबंधित हो जाएगा, तो चार नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चार नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, एरिक्सन के बारे में बताया गया है कि ये नव प्राइडवादी हैं, ठीक है, उन्हीं के शिष्य हुआ करते थे, और इनकी जो बुक है चाइल्डहुड एंड सोसाइटी 1963 में स्पष्ट किया था इन्होंने इसके बारे में। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एरिक्सन ने विकास की कितनी अवस्थाएं बताई, तो इन्होंने आठ अवस्थाएं बताई थी। ठीक है, वो आठ अवस्थाएं कौन कौन सी हैं वो आप देख लीजिएगा, जैसे विश्वास बना अविश्वास, इसे ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट बोलते हैं, जो एक कम से कम जन्म से एक साल तक मानी जाती है, स्वायत्तता बनाम लज्जा यानी शक, जिसे ऑटोनॉमी वर्सेज सेम या एंड डाउट बोलते हैं 1 से 3 वर्ष तक के बच्चों में, पहल बनाम दोष यानी इनिशिएटिव वर्सेज गिल्ट, तो ये 3 से 5 वर्ष, परिश्रम बनाम हीनता इंडस्ट्री वर्सेज इन्फेरिटी, ये बाल्यावस्था की विशेषता, पहचान बनाम संभ्रांति जिसे बोलते हैं हम। नेक्स्ट है कि पहचान बनाम संभ्रांति जिसे आइडेंटिटी वर्सेज रोल कन्फ्यूजन बोलते हैं, जो आपकी किशोरावस्था से, इसके अलावा घनिष्ठता बनाओ अलगाव और लास्ट में जननात्मकता बनाओ स्थिरता, और लास्ट में आती है आठवीं नंबर की संपूर्ण बनाओ निराशा। तो इस प्रकार ये आठ अवस्थाएँ और इनसे क्वेश्चन हर वर्ष पूछे जाते हैं भिन्न भिन्न परीक्षाओं में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, ये हमने क्वेश्चन लास्ट किया था, ये एरिक्सन से संबंधित था, और इनके अलावा ये क्वेश्चन है कम्प्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब चलो देख लेते हैं, ये फ्रैट से ही बना है, यानी पहचान विकास संबंधित है, पहचान का मतलब होता है आइडेंटिटी, तो ये किससे संबंधित है, तो ये एरिक्सन के सिद्धांत से संबंधित है, और ये अवस्था नंबर 5 है। कैसे मैंने कह दिया आप है, इसे डायग्राम इसको देखिए सारणी को, इसमें पूछा था आइडेंटिटी, आइडेंटिटी आती है आपकी आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन आता है आपकी पाँचवीं अवस्था, तो पाँचवीं अवस्था देख लीजिए, ये आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूजन, तो 12 से 18 वर्ष तक किशोरावस्था से संबंधित है, इस वजह से ये पांचवी अवस्था थी, और यही क्वेश्चन में पूछा है कि पहचान अवस्था संबंधित है या पहचान विकास। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका एरिक्सन की पांचवी अवस्था से संबंधित है। ये कह रहा है कौन सी आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की आठ अवस्थाएँ दी थी, तो जन्म से कांति थी मृत्यु तक, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, बिल्कुल सही है, एक ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो गैप भावनाओं की ओर ले जा सकता है, यानी ये बताना है पहल बनाओ। अब है एक बार इस सारणी को देखिए, इसमें दे रखा है, देखो पहल बनाओ, ये आपकी है तीसरी अवस्था, देखिए
तीसरी अवस्था है कि पहले बनाव दोष यानी इनिशिएटिव वर्ष गिल्टी या 3 से 5 वर्ष होता है। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, अब ये क्वेश्चन कह रहा है बालक अधिक पहल करता है और लेकिन बहुत सतर्क भी हो जाता है, ये 3 से 5 वर्ष की अवस्था है, कौन से नंबर की? तीसरी है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है जो आपका नेक्स्ट है कि परिश्रमीयता बनावहीनता यानी ये है आपकी इंडस्ट्री वर्सेज इनफेरिटी, तो ये 4 नंबर की अवस्था थी जो बाल अवस्था से संबंधित थी। और ये सारणी में मैंने आपको बता दूँ एक बार, एक और देख लीजिएगा। देख 4 नंबर की अवस्था है परिश्रम बनावहीनता जो ये है इंडस्ट्री वर्सेज इनफेरिटी जो 6 से 12 वर्ष के बाल अवस्था से संबंधित है। यही क्वेश्चन हमने पूछा था अभी आपसे, ये वाला, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि अरे एरिक्सन के अनुसार बच्चों का मनोसामाजिक विकास 8 चरणों में होता है। एक कक्षा 3 का छात्र जिसकी लगभग 9 साल के आसपास उम्र होगी विकास के किस चरण में मिल खाता है? आप भी जानते होंगे 6 से 12। तो बाल्यावस्था, बाल्यावस्था का मतलब होता है परिश्रम बनावहीनता। तो परिश्रम बनावहीनता होती है कि इंटरेस्टी बचे इनफेरिटी, तो परिश्रम बनावहीनता ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था की क्या विशेषता होती है? तो हम जानते हैं क्या होता है, पहचान, तो उसे पहचान को हम बोलते हैं तादात्मकता बनाव भ्रांति, यानी हम इसे बोलते हैं इंग्लिश में, अभी हमने बात की थी, ये कही थी, क्या कही थी, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन ऐसे बोला था। तो वो यही इसी से तादात्म्य मतलब होता है आइडेंटिटी, बनाव भ्रांति का मतलब हो जाएगा आपका कन्फ्यूजन, इस प्रकार हम बोल सकते हैं आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। तो ऑप्शन नंबर ये 4 से संबंधित है और ये 5वीं अवस्था थी जिसकी उम्र 12 से 18 बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये कह रहा है कि एरिक्सन मतलब एरिक एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था के लिए नियामक संकट है, नॉर्मेटिव क्राइसिस है, तो इसमें से बताओ क्या है? तो हम कहेंगे पहचान बनाव भूमिका संभ्रम, यानी इसे बोल सकते हैं आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एरिक्सन द्वारा प्रदत्त किशोरावस्था की मनोसामाजिक अवस्था है? तो हमें बताना है किशोरावस्था की विशेषता, तो मैंने बताया था ये 5वीं अवस्था होती है, पहचान बनाव भूमिका संघर्ष, देखो भिन्न भिन्न नामों से है लेकिन इंग्लिश ध्यान रखोगे तो एक से ही काम हो जाएगा, यानी आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन 5वीं अवस्था है, 12 से 18 वर्ष उम्र मानी गई है और सिंपल है, इसी से आपके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सीटेट में पूछा है निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है? तो ये किससे संबंधित है? तो ये आपके संबंधित हो जाएगा लेव वाइगोत्स्की, यानी जो SCL की बात करते हैं, सोशल लैंग्वेज और कल्चरल, ये जीन प्याजी से संबंधित है, किसी संज्ञानात्मक विकास क्षेत्र से भी संबंधित रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के अनुसार एक बच्चा जिन कार्यों को अपने से दक्ष व्यक्ति की सहायता से पूरा करता है तो इसे क्या कहेंगे? तो उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, ZPD, यानी ये इससे संबंधित हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन थे। ZPD का मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है, तो ये हम कह सकें समीप विकास क्षेत्र होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सामाजिक रचनावाद यानी जिसे कंस्ट्रक्टिविज्म बोलते हैं दर्शन पर अत्यधिक बल दिया है? तो उन्होंने दिया है वाइगोत्स्की। ठीक, मैं पूछा है कि इसके स्कैफोल्डिंग की संकल्पना है वो किसने दी थी? तो वो आपके दी थी वाइगोत्स्की ने, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, ये कह रहा है कि वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से उपकरण एक व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास में सहायता प्रदान करते हैं? जैसे कि सामाजिक सांस्कृतिक उपकरण, दूसरा भौतिक सांविधिक व्यक्तिगत, तो हम जानते हैं सामाजिक और आपके सांस्कृतिक यही है। SCL का मतलब सामाजिक और सोशल, सीधे कल्चरल और LC लैंग्वेज, इन्हीं पर बात की ज़्यादातर है वाइगोत्स्की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि समीपस्थ विकास का संप्रत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो वाइगोत्स्की के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि किसके मत के अनुसार ज्ञान की रचना में सामाजिक अंतःक्रिया की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो वो वाइगोत्स्की के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, स्कैफोल्डिंग निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक विकास क्षेत्र से संबंधित होता है? तो ये आपके संबंधित हो जाएगा वाइगोत्स्की से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है,
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि इसमें से आपको असंगत बताना है, यानी जो गलत है, जैसे कि जी यानी जीन प्याजी है वो संज्ञानात्मक रचनावादी है, जैसे जीन प्याजी ब्रेस बोर्ड है ये एकड अनुदेशन से संबंधित है, बीएफ स्किनर है वो व्यवहारवादी है, और जो आपके बायकोस की हैं वो व्यक्तिगत रचनावादी है। अगर इन ऑप्शनों को ध्यान से देखें ना, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ये व्यक्तिगत रचनावादी नहीं है, ये संज्ञानात्मक रचनावादी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। बाकी जीन प्याजी संज्ञानात्मक से संबंधित है, उसके अलावा जी जो ब्रेस्ट वॉर्ड है वो भी अनुदेशन से संबंधित है, बी ए स्किनर है या बी एफ स्किनर है वो आपके व्यवहारवादी से संबंधित है, लेकिन 4 नंबर ऑप्शन है ना जो व्यक्तिगत रचनावादी नहीं है, ये आपके संज्ञानात्मक रचनावादी है, इसी का समर्थन करते हैं बायकोस की। सी टेन ने पूछा है कि बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की से सहमत है वो बताना है, तो वाइगोत्स्की से सहमत है वो बताना है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बच्चे समवयस्क और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वाइगोत्स्की से फिर संबंधित है कि वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में कहा है, क्या कहा है? हम कहेंगे कि संस्कारों की यानी संस्कारों की आनुवंशिकी के कारण होता है, सामाजिक की अंतक्रिया का उत्पाद होता है, औपचारिक शिक्षा का उत्पाद होता है, या यह समावेशन और समायोजन का परिणाम होता है। ये चारों ही ऑप्शन ठीक है, लेकिन अब बात करें इनमें से करेक्ट कौन सा है, तो हम कहेंगे सामाजिक, क्योंकि SCL की बात करते हैं आपके वाइगोस की, तो सोशियल कल्चरल यानी यह एक सामाजिक अंतक्रिया का उत्पाद होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि वाइगोत्स्की बच्चों को सीखने के लिए निम्नलिखित में से किस कारक को महत्वपूर्ण मानते हैं, तो हम कहेंगे वो आपको सामाजिक को मानते हैं, यानी समाज को, सोशल को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम है, तो अधिगम एक हम कह सकते हैं कि सामाजिक प्रक्रिया या गतिविधि है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है वाइगोत्स्की के अनुसार वह कार्य जो बालक के स्वयं के लिए अत्यधिक कठिन है परंतु किसी प्रौढ़ और अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव हो तो इसे क्या कहेंगे, तो उसे हम स्कैफोल्डिंग बोलते हैं या पांड या ढांचा बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतम संज्ञानात्मक प्रक्रिया में बदला जा सकता है, तो वो बदला जा सकता है सामाजिक पारस्परिक क्रियाओं के द्वारा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है ये कह रहे हैं जब बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं तो उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, तो हम उसे क्या कहेंगे, व्यक्तिगत वार्ता कहेंगे या अहम केंद्रता कहेंगे, तो हम कहेंगे प्राइवेट स्पीच, और प्राइवेट स्पीच को हम कहते हैं व्यक्तिगत वार्ता, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका छात्रों को भाषागत विकास में सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला भाज्य है जो सामाजिक परिस्थिति है ये किसका कथन है, तो ये आपके लेव वाइगोत्स्की से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है वाइगोत्स्की सम स्थितियों के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना है, और ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से बताना है, तो मोस्टली हमने इससे पहले भी बात की थी प्राइवेट स्पीच की, तो ये संबंधित होगी कि स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं, यानी खुद से भाषा का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता, किससे नहीं किया जा सकता, तो हम कहेंगे ये आपके उसके सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आपको बताना है इन 4 कथनों में से कौन सा सही है, तो हम कहेंगे इनमें से कि भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल सकती है, ये लेव वाइगोत्स्की ऐसा कहते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इनके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है, तो हम कहें जो सामाजिक अन्योन्य क्रिया हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, तो हम कहेंगे बच्चे है वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करने से सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं को क्या बोलते हैं या क्या बोलते हैं, तो हम कहें बच्चे अपने प्रति वयस्क को ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं, नहीं बच्चे स्वयं को बात नहीं, बच्चे अहम केंद्रित तो होते हैं, ये कहीं कहीं हो सकता है, लेकिन 4 नंबर ऑप्शन देखिए बच्चे अपने कार्यों को दिशा देने के लिए बोलते हैं, यानी व्यक्तिगत वार्ता बोलते हैं, तो वो अपने कार्यों के लिए दिशा देने के लिए बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि सभी पर विकास क्षेत्र है,
और ये आपको लैब आई को इसकी के अनुसार बतानी है। ये आपके चार ऑप्शन दे रखे हैं। अगर इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो हम कहेंगे इसमें से ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बच्ची के द्वारा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे वो पार्ट नंबर 4 की करेंगे। इससे पहले हमने 3 पार्ट अपलोड कर दिए गए हैं और जिसमें आप देख पा रहे होंगे ये वीडियो, इसमें एक थंबल लगाया होगा, वही थंबल है अन्य वीडियो पर भी यूज किया गया है, तो आप इसके आधार पर देख सकते हैं। या CTP के नाम से है, आप एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ के जाकर है आप अन्य जो भी वीडियो हैं उन्हें भी देख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर है यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम। इससे पहले एक क्वेश्चन और छूट गया था। अगर आपसे ये पूछा जाए वायोगोत्सुकी के बारे में कि किसने यह सिद्ध किया है कि लगभग 2 वर्ष की उम्र तक बच्चे में विचार एवं भाषा का विकास अलग अलग होता है, इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आता है तो इसका राइट आंसर होता है वायोगोत्सुकी। ध्यान रखना है, वायोगोत्सुकी कहते हैं कि पहले भाषा आती है फिर उसके बाद विचार आता है, जबकि जीन प्याजे ये कहते हैं पहले विचार आता है उसके बाद भाषा आती है। इस प्रकार के CTET में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। आप प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे तो उनमें इस प्रकार के क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो ये भी ध्यान रखना है। तो हम पहले देख लेते हैं इससे संबंधित जो वायोगोत्सुकी से पूछा है। ये कह रहा है क्वेश्चन, वायोगोत्सुकी के सिद्धांत का निहितार्थ क्या है? ये आपके CTET में 2012 में पूछा हुआ है, लेवल फर्स्ट में क्वेश्चन। आप इन सभी ऑप्शनों को पढ़ेंगे ना तो आपने वायोगोत्सुकी का जो सिद्धांत पढ़ते ना उसमें हमेशा बात की जाती है SEL यानी आपके समाज की, और जो भी आप समाज में रहते हैं उस कल्चर को अपनाते हैं वो चीज़ें, और उसकी लैंग्वेज यानी जहाँ पर समाज में रह के आप बोलते हैं वो भाषा, इन पर फोकस करके रखा है। तो इसमें हम कहेंगे सहयोगात्मक समस्या समाधान होती है। बच्चे समाज में रह के अपने से बड़े जो अधिक जानकार होते हैं उन्हीं से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, तो उस सेंस में इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इनके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये पूछा है कि वायोगोत्सुकी के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहेंगे? आप इस ऑप्शन नंबर 4 पर जा रहे होंगे, ढांचा, जिसे इसके पॉल्टिंग बोलते हैं, पांड भी कह देते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर होगा खोजपूर्ण अधिगम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं किस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, इसमें बता रहा है कि कोलसेनिक एक मनोवैज्ञानिक थे, ने बालक के विकास की कितनी अवस्थाएं बताई, यानी आप ऐसे कह सकते हैं जो बाल विकास होता है उसमें बालक की कितनी अवस्थाएं होती हैं। जैसे कि हम नॉर्मली हम यही पढ़ते हैं शैशव अवस्था, बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था, पूर्ण अवस्था, लेकिन इन्होंने कितनी प्रकार से बांटी थी, तो ये अवस्थाएं आपकी बांटी थी, आप है अगर इनमें से देखें तो हम कहेंगे वो 8 हैं। किन्हीं किन्हीं बुकों में ये 9 प्रकार भी दे रखे हैं यानी अवस्थाओं के, लेकिन आपको याद रखना है ये परिचय में पूछा हुआ क्वेश्चन, 8 अवस्था ही याद रखें तो इस प्रकार है। ठीक है, तो 8 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं वो आप देख सकते हैं। इनके अलावा मैं और के भी नाम बता देता हूँ, क्योंकि परीक्षा में मोस्टली पूछे तो नहीं जाते लेकिन अवस्थाओं को लेकर आपके क्वेश्चन बन ही जाते हैं और इन्हीं की विशेषता भी पूछ ली जाती हैं। ये 8 प्रकार हैं, आप देख सकते हैं इस प्रकार इन्होंने बांटा था कोलसेनिक मनोवैज्ञानिक ने। इनके अलावा ध्यान रख सकते हैं मैं नाम बता रहा हूँ, जैसे कि शैली के अनुसार ये शैली बताते हैं, ये एक मनोवैज्ञानिक है, इन अवस्थाओं को लेकर ये आपको बताते हैं 3 प्रकार। ठीक है, 3 प्रकार कौन कौन से मैं बता भी दूँ, जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। इसके अलावा रॉस, आपने नाम सुना होगा, ये परिभाषा में ज़्यादा आता है रॉस। ठीक है, तो इन्होंने भी बांटी है अवस्थाएं, और ये अवस्थाएं बांटी हैं 4, और 4 कौन कौन सी है वो भी नाम बता दूँ, जैसे कि शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था। इनके अलावा आपने श्रीमती हरलोक का नाम भी सुना होगा, इनके स्टेटमेंट भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हरलोक ने बांटी हैं, मैं मोस्टली नाम नहीं बता पाऊंगा क्योंकि 11 अवस्थाएं हैं। ठीक है, और जैसे कि आपके कोलसेनिक ने बांटी है ना 8 प्रकार, इसी प्रकार इन्होंने 11 प्रकार बताए थे, किसने? श्रीमती हरलोक ने। इनके अलावा एक नाम और याद रख सकते हैं, वो है अर्नेस्ट जोन्स, इनकी भी परिभाषाएं पूछी जाती हैं, इन्होंने बांटे थे 4 प्रकार से। तो ये 4-5 नाम बताए आप याद रख लें, मोस्टली ये तो नहीं पूछे जाते CTET में, तो मोस्टली आपका जीन प्याजे, वायोगोत्सुकी, कोहलबर्ग, इन्हीं से संबंधित मोस्टली क्वेश्चन बनी जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये विभिन्न परीक्षाओं में ये होता तो साइंस का क्वेश्चन है ये वाला, लेकिन इसे हमने देखा है चाहे वो आपकी CTET हो या आपकी अन्य राज्य की परीक्षाएं, ये क्वेश्चन बन भी जाता है। ये कह रहा है निम्न में से कौन सा विकास की गर्भावस्था के सही क्रम को प्रदर्शित करता है, इसमें से चूज करना है, तो हम कहेंगे पहले तो आती है बीजावस्था, तो इनमें से देखो भ्रूण वाली अवस्था शुरुआत में दे रखी है, इसे काट दीजिएगा। ठीक है, अब 2 बची यानी 2 नंबर ऑप्शन और 3 नंबर ऑप्शन। देखो बीज अवस्था के बाद आती है आपकी भ्रूण अवस्था,
ये कह रहा है गर्भावस्था आती है, गर्भावस्था शुरुआत की होती है तो ये तो होगा नहीं, यानी बीजावस्था फिर बूढ़ावस्था फिर गर्भस्थ शिशु की अवस्था, यानी ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि बाल विकास का सही क्रम क्या होगा, यानी अवस्थाओं को लेकर पूछा है। तो जो भी मेरे नाम बताए थे या आपने जैसे भी याद कर रखे हो वही अवस्था है, इसमें अलग नहीं है। जैसे कि इनमें से देखें, प्रौढ़ावस्था के बाद किशोरावस्था नहीं आती, किशोरा के बाद प्रौढ़ा आती है और बाल्य के बाद किशोर आती है, तो ये तो होगा नहीं, उल्टा क्रम दे रखा है। पूर्व बाल्य, पूर्व किशोरावस्था, पूर्व मध्य किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था, ये पर्टिकुलर एक कह सकते हैं अवस्था की तीन प्रकार है एक तरह से कह सकते हैं, वो इसमें इंक्लूड किए, इस प्रकार की अवस्था हम नहीं मान सकते। बाकी चार नंबर भी उल्टा ही क्रम दे रखा है, मतलब पहले प्रौढ़ा फिर बाल्या फिर शैशवा, ये क्रम नहीं होगा। और सही होगा वो होगा बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था, किशोरावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था, अगर इसके आगे शैशवावस्था भी होती ना तो भी ये सही होता, क्योंकि क्रम है, क्रम ही हमें इसमें से चूज करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये है कि बाल विकास का अध्ययन का क्षेत्र कौन सा है, इनमें से आपको चूज करना है। आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो हम कहेंगे चाहे तो बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करना हो, जैसे कि हम पढ़ रहे थे जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, ये आपकी विभिन्न अवस्थाएँ हैं, तो निश्चित तौर से हम अध्ययन करते हैं इनका। वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करते हैं, यानी वातावरण में बच्चा कैसे रहता है, उन सभी विशेषताओं को हम इंक्लूड करते हैं। जैसे बायोग्राफी की तो समाज की बात करते हैं, ठीक है, तो जो भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने अपने तर्क दिए हैं और वो रियल भी है जब भी हम उन थ्योरियों को पढ़ते हैं। और इनके अलावा जैसे वातावरण है तो हम इसके अलावा आनुवांशिकता भी पढ़ते हैं। आपने देखा होगा जो हमारे माता पिता होते हैं उनके लक्षण है हमारे अंदर आ जाते हैं, तो ये भी हम पढ़ते हैं। इनके अलावा व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन करना बिल्कुल सही बात है, क्योंकि प्रत्येक बच्चे का अगर देखा जाए तो व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, यानी हर किसी की बुद्धि लब्धि अलग होती है, रहन सहन, हाव भाव, उसका शिष्टाचार, यानी हर चीज़ व्यक्तिगत विभिन्नता में पाई जाती है, तो हम उनका भी अध्ययन करते हैं। तो यानी उपरोक्त अभी इसका राइट आंसर की व्याख्या जरूर पढ़ लीजिएगा, इसमें दे रखी है ये वाली, इसमें ध्यान रखना है जैसे कि पेस्टोलॉजी है, उसने बेबी बायोग्राफी लिखी थी, उसके बाद टाइटमैन आए थे, उन्होंने अपनी एक विधि दी थी, उसकी विधि में बताते हैं कि अपने जो भी बच्चा है उसके शारीरिक मानसिक जो भी विकास के चरण थे उनका निरीक्षण किया था। फिर जॉन लॉक और थॉमस हॉब्स ने भी अध्ययन किया था। उसके बाद 19वीं शताब्दी में बाल अध्ययन करने वाले एक स्टैनी हॉल आए थे जिन्होंने किशोरावस्था के बारे में बहुत सारी अच्छी चीज़ें बताई थी। इन्होंने इन सोसाइटी की स्थापना की थी, और भारत में किसने की थी बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत, वो की थी गीजू भाई बदेका ने, और 1930 में कोलकाता विश्वविद्यालय में। ये चीज़ें आप ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, जैसा देख पा रहे होंगे इसमें पूछा है कि शारीरिक मानसिक एवं व्यक्तित्व विकासों की मूल आधारशिला किस काल को कहा जाता है, तो वो शुरुआती होती अवस्था इन्फेंसी यानी शैशव अवस्था बोल सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इनके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, इसमें पूछा है खिलौनों की आयु कहा जाता है यानी टॉय एज, अगर टॉय एज पूछा जाए ना तो इसका राइट आंसर होता है पूर्व बाल्यावस्था, और यहीं पे अगर पूछे प्ले एज कौन सी होती है फिर वो उत्तर बाल्यावस्था इसका राइट आंसर हो जाता है। और ये दोनों ही क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो हमने ये तो देख लिया कि टॉय एज कौन किस अवस्था को कहेंगे, तो आपकी पूर्व बाल्यावस्था होगी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है शैशवावस्था की विशेषता बतानी है, जैसे सीखने की प्रक्रिया से तीव्रता होती है यानी सीखने में तीव्रता होती है शैशवावस्था भी, ये बिल्कुल सही बात है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है यानी क्यूरोसिटी होती है बच्चे को हर चीज़ जानने की, बिल्कुल सही बात है। अनुकरण के द्वारा सीखने की प्रवृत्ति होती है, दूसरों को देखकर सीखता है, ये भी बात सही है। लेकिन चिंतन की प्रक्रिया है ना, इसमें चिंतन करने की अगर आप शैशवावस्था की विशेषता पढ़ेंगे ना उसमें ये आता है जो बच्चा होता है ना वो अतार्किक चिंतन करता है, न कि चिंतन जो प्रॉपरली कर पाता है, तो वो इस अवस्था में तो प्रॉपरली नहीं कर पाएगा चिंतन। इसका राइट आंसर यही होगा, यानी शैशवावस्था की अगर विशेषता नहीं है वो चूज करना था, वो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इस के बारे में बताया गया है, आप यहाँ पे आएंगे जब आप पढ़ते पढ़ते तो आप यहाँ पे देखिएगा, ये बात दे रखा है शैशवावस्था की विशेषता, यानी इसमें कैसा पाया जाता है चिंतन, अतार्किक चिंतन की अवस्था बोलते हैं इसे। और भी विशेषताएं दे रखी हैं इसमें, जैसे आप देख पाएंगे जीत प्याजे भी, और बहुत सारी विशेषताएं हैं जो आपके संबंधित होंगे आपके शैशवावस्था की। और एक ये भी चीज़ ध्यान रखना, ये परीक्षा पूछी जाती है कि जन्म के समय शिशु में कोई भी संवेग नहीं होता है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन केवल उत्तेजना होती है, और ये बात कहने वाले थे ब्रिजेज, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। और बालक में वह संवेग है वो सर्वाधिक सक्रिय रहता है, ठीक है। और इनके अलावा जो भी
और इनके संबंधित शिक्षण विधियाँ हैं, यानी जो शैशवावस्था में जैसे किंडरगार्डन है, खेल विधि है और मोंटेसरी विधि है, इनका उपयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शैशवावस्था होती है, आपको देखो ये इसमें नाम नहीं दिया है, इसमें कोई वैसे ही नाम लिख दिया है सिली, लेकिन हम ये बात कह रहे हैं कि देखो अभी शैशवावस्था की हमने देखा था जैसे रॉस के अनुसार, श्रीमती हरलॉक के अनुसार, कॉल सैनिक के अनुसार, अर्नेस्ट के द्वारा, सैली के द्वारा, ये अवस्थाओं का बताई गई यानी अवस्थाएं। तो शैशवावस्था की उम्र कितनी होती है अगर उनके लिए रेंडमली देखें ना, तो इसमें सही दे रखा है, यानी आप शैशवावस्था 12 वर्ष को तो बोलेंगे नहीं, 21 वर्ष को भी नहीं बोलेंगे, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। यानी हम ऐसे कह सकते हैं शैशवावस्था की उम्र है 5 वर्ष तक है, अगर यहाँ पर 0 से 2 भी आती ना तो जीन प्याजी के अनुसार कर देते, वो डिपेंड करता है ऑप्शन पर। और ज़्यादातर अगर इसमें आपको डाउट हो या कन्फ्यूजन जैसी स्थिति हो तो निश्चित तौर से वो क्वेश्चन डिलीट भी हो जाता है, क्योंकि विभिन्न मनोवैज्ञानिक ने अपने अपने आधार पर अलग अलग बताई है, लेकिन आपको स्पष्ट तौर पर दे रखे होते हैं तो आप आसानी हो जाती छांटने में। जैसे कि इसमें निश्चित तौर से 5 वर्ष तक माना है आंसर, वही भी बात सही है क्योंकि इसमें और भी उम्र दे रखी है, वो अलग अलग दे रखी है इस वजह से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, अभी हमने क्वेश्चन किया था तो उसी आधार पर लगा सकते हैं। देखो शारीरिक विकास तीव्र होता है, सही बात है, दूसरों पर निर्भर रहते हैं, ये भी बात सही है, मानसिक क्रियाओं में तीव्रता होती है, ये भी बात सही है, नैतिकता की पूर्णता, नैतिकता तो बिल्कुल भी नहीं होगी बच्चे में शुरुआत के दिनों में, शैशवावस्था में कहाँ से आ जाएगी नैतिकता। तो हम जब हम कोहलबर्ग का सिद्धांत पढ़ते हैं ना, उसमें भी देखना शुरुआती जो आपकी अवस्था होती है ना प्री कन्वेंशनल, तो पूर्व परंपरागत, उसमें भी 4 से 10 वर्ष ली जाती है, यानी उसमें भी बच्चा है भौतिक वातावरण यानी जो भी वातावरण में जो नियम बनाए हैं उन्हें ही फॉलो करता है, तो वो जानता है जो भी ईमानदारी यानी जो नैतिक है, हम बात करते हैं नैतिक का मतलब ईमानदारी है, सही या गलत का अंतर कर पाना, तो इसमें नैतिकता नहीं पाई जाती आप ऐसे स्पष्ट तौर पर। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, इसमें पूछा है शैशवकाल यानी इन्फेंसी को जन्म से 5 वर्ष की आयु तक किसने माना है, अभी हमने ये बात कर रहे थे और क्वेश्चन भी आ गया, यानी ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा मनोवैज्ञानिक है जिसने कहा है कि जो आपकी शैशवकाल होती है यानी इन्फेंसी स्टेज होती है उसको जन्म से 5 वर्ष किसने माना है, आप सिंपल तौर पर ये बता दीजिएगा। तो इनमें से जैसे रॉस, तो रॉस ने मैंने केवल आपको अवस्थाएँ बताई थी कि इन्होंने इस अवस्थाओं में बांटा था, लेकिन उम्र नहीं बताई थी, तो अब बता देता हूँ। जैसे शैशवावस्था मानी थी 1 से लेकर 3 वर्ष तक, ये वर्ष है ये ध्यान रखना, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। बाकी कॉल सैनिक की बात करें तो इन्होंने बताया था 0 से लेकर आपसे 2 या 3 सप्ताह, अब सप्ताह का मतलब इसमें 7 का इंटू करेंगे तो निश्चित तौर से इसके दिन निकल के आ जाएंगे, इसे 3 या 4 सप्ताह कर सकते हैं, ठीक है, यानी 21 दिन या 28, तो ये भी नहीं होगा। अब है अर्नेस्ट जॉन्स है, इसकी भी मैंने बताई थी, अर्नेस्ट जॉन्स ने शैशवकाल है उसे माना है 5 से 6 सप्ताह, 5 या 6 सप्ताह, इसमें भी 7 का इंटू करेंगे तो दिन निकल के आ जाएंगे, लेकिन किसी ने 0 से 5 वर्ष की बात नहीं की है। एकमात्र है सिली, इसकी मैंने नहीं बताई पाई थी, ध्यान रखना है 0 से 5 वर्ष तक की बात की जाए तो ये आपके आते हैं शैशवकाल, और ये सिली ने ये अवस्था बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, शैशवावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है कौन सी है, ये प्रथम है या द्वितीय है या ये तृतीय है या ये चतुर्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये आपकी प्रथम हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जैसा देख पा रहे होंगे इसमें पूछा है विकास की कौन सी अवस्था में नार्सिसिज्म या जिसे हम बोलते हैं स्वप्रेम की भावना का गुण अत्यंत प्रबल होता है, अत्यंत प्रबल का मतलब होता है उसमें बहुत मतलब इफेक्टिवली प्रभाव रहता है उस अवस्था में, आप ऐसे कह सकते हैं। तो इनमें से अगर ऑप्शनों को देखें तो हम ऑप्शन के आधार पर जाएंगे, ऑप्शन नंबर 4 पर यानी शैशवावस्था में नार्सिसिज्म के गुण है अत्यंत प्रबल होता है अपनी, यानी इसका मतलब होता है नार्सिसिज्म का खुद से प्यार करना होता है एक तरह से, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें पूछा है कि शैशवावस्था में बच्चों की जो क्रियाकलाप होते हैं वो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, ये होते हैं मूल प्रवृत्तियात्मक होते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इनके अलावा नेक्स्ट देख लेते हैं, और ध्यान रखना मूल प्रवृत्तियात्मक ये विलियम मैकडूवल बोलते हैं इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, वृद्धि निम्नलिखित कालों में से किस काल का सबसे अधिक होती है, यानी वृद्धि है निम्नलिखित काल में से किस काल में अधिक होती है, तो वृद्धि की बात करें तो ये शुरुआत के दिनों में ही होती है यानी जो शैशवावस्था होता है उसी में होती है, तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। इनके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, ये कह रहा है कि बालक का विकास तीव्रगामी होता है किस उम्र में होगा, तो हम जानते हैं 0 से
या जन्म से 2 वर्ष कह सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। इनके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, किस आयु में सामान्य बालक वर्ण एवं अक्षरों को लिखना प्रारंभ कर देते हैं, तो ये समथिंग कर देते हैं 4 से 5 वर्ष की उम्र में लिखना प्रारंभ कर देते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है कि शिशु भाषा को सर्वप्रथम उपयोग किसके लिए करता है, तो वो व्यक्तिगत कह सकते हैं वार्ता के लिए करता है, यानी अपनी अभिव्यक्ति के लिए, या आप कैसे कहते हैं भाषा का रेगुलेशन करने के लिए, तो निश्चित तौर से बाइगोस की भी यही बात बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, ये कह रहा है कि भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है, यानी एक अवस्था बतानी है कौन सी होगी। आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो वो आपकी प्रारंभिक जो बाल्यावस्था होती है वो इम्पोर्टेंट होती है, जिसकी उम्र 4 से 6 मानी जाती है, तो निश्चित तौर से यही होगी और ये सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, इसमें लिख रखा है, ये नीचे पेन से ध्यान रख सकते हैं, जैसे प्रकारवादी है जॉन डीवी है और विलियम जेम्स भी है, और इन्हें कृत्यवादी भी बोलते हैं। आपने जब नाम सुना होगा प्रगतिशील शिक्षा, तो इन्हीं की देन है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, ये आपकी व्याख्या दे रखी है, आप देखना चाहो तो उसे देख सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, किस अवस्था में शिशु आत्म केंद्रित होता है, यानी आत्म केंद्रित का मतलब होता है ईगोसेंट्रिज्म, ये किस अवस्था से संबंधित है आपको ये बताना है। तो निश्चित तौर से आप जानते होंगे ये जब हम पूर्व बाल्यावस्था पढ़ते हैं उसी से संबंधित होती है। ईगो सेंट्रिज्म का मतलब ये होता है कि बच्चा अपने विचारों में प्रधानता रखता है, यानी वो जो कह रहा है और जो भी कर रहा है वो सही है, बाकी जो भी अन्य के जो भी तर्क वगैरह बातें हैं वो किसी की नहीं मानता, यानी अपने विचारों को प्रधानता देता है, यानी जो वो सही जो भी वो बोलता है या कहता है वो सही है, बाकी सभी गलत है, इस हिसाब से भी समझ सकते हैं। इनके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि निम्न अवधि में से किस में शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है, यानी आपको अवस्था बतानी है किस में तीव्र गति से विकास और आपका वृद्धि होती है। इन सभी ऑप्शनों को अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, यानी जो शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, इसी में आप कह सकते हैं वृद्धि और विकास तीव्र गति से घटित होता है, इसमें ये विशेषता बताई हुई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें पूछा है कि जो बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है, ये सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका मतलब होता है कि हम इन ऑप्शनों को पढ़ेंगे तो इसकी एक विशेषता बतानी थी, तो हम कहेंगे यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों से सार्वभौम रूप में समान होता है, यानी सभी जगह ये बाल्यावस्था की उम्र है कॉमन है, चाहे वो किसी भी देश का हो किसी भी कल्चर का हो, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। इसकी ये व्याख्या दे रखी है किस किस प्रकार से ये संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें बताया गया है जो विकास की किस अवस्था को कॉल तथा बोर्स ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो ये बाल्यावस्था को कहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इनके अलावा ये विशेषता दे रखी है ये किस प्रकार है, तो आप देख सकते हैं इसमें उम्र कितनी मानी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, जैसा कि देख पा रहे होंगे कि बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा या माना जाता है, ये किस से संबंधित है, तो ये आपके संबंधित हो जाएगा मिथ्या परिपक्वता, ये किसने कहा है, ये आपके रॉस ने कहा है, ठीक है, बाल्यावस्था को ही कहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। अब इनके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, ये कुछ विशेषताएं दे रखी हैं आप देख सकते हैं। इनके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि वैचारिक क्रिया अवस्था कौन सी होती है, यानी उम्र पूछी है इसमें, जैसे ऑप्शन दे रखे हैं, तो वैचारिक का मतलब क्रिया अवस्था मतलब बाल्यावस्था से ही संबंधित होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। इनके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि छदम परिपक्वता का काल, यानी जो पीरियड ऑफ स्यूडो मैच्योरिटी, यानी जिसे छदम परिपक्वता बोलते हैं ना, ये अभी रॉस ने कहा था, तो ये आपकी किस से संबंधित है, इसमें उम्र दे रखी है, बाल्यावस्था डायरेक्ट नहीं दे रखी है, इसमें देखा जाए तो 2 अवस्थाएं दे रखी हैं, एक तो उत्तर बाल्यावस्था एक पूर्व बाल्यावस्था, तो हम 4 से 6 वर्ष होती है ना पूर्व बाल्यावस्था, उसे बोलते हैं छदम परिपक्वता, ये रॉस से संबंधित है। अगर रैंडमली इसमें कोई और अवस्था आती ना, जैसे कि किशोरावस्था शैशवावस्था बाल्यावस्था कोई एक अन्य अवस्था और आती, तो निश्चित तौर से हम बाल्यावस्था पर जाते, लेकिन ये डिपेंड करता है ऑप्शन इस प्रकार के बनाए हैं, तो फिर हम पूर्व बाल्यावस्था पर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से किस अवस्था में बालक अपने समकक्षी, यानी जो हम बोल सकते हैं पीयर ग्रुप के सक्रिय सदस्य बनते हैं, वो किस अवस्था में बनते हैं। देखो इस क्वेश्चन को लेकर आपको डाउट हो तो आपको ये बता दें कि जो आपके बोर्ड ने आंसर की मानी है मैं वही बता देता हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बाल्यावस्था, ठीक है। और बहुत से टीचर इसे कह सकते हैं किशोरावस्था भी बताते हैं, लेकिन जो बोर्ड ने माना है उसे तो ऑथेंटिक आप ही मानेंगे, क्योंकि उसे बाद में चैलेंज भी कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विकास की किस अवस्था को गैंग एज कहा जाता है? गैंग एज कहा जाता है आपकी बाल्यावस्था को, इसी में दोस्त ज़्यादा बनाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि शर्म तथा गर्व जैसी भावनाओं का विकास किस अवस्था में होता है? तो ये भी बाल्यावस्था में होता है, तो ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि नकारात्मक व्यवहार किस, यानी नकारात्मक व्यवहार है वो विकास की किस अवस्था में सामान्यतः देखा जाता है? तो नकारात्मक प्रभाव जब भी देखा जाएगा वो आपके बाल्यावस्था में ही देखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि बाल्यकाल, यानी जो आपका बाल्यकाल है उसकी उम्र पूछी है, कितने से कितने उम्र तक हो सकता है इसमें से? तो हम कहेंगे वो बाल्यकाल का मतलब बाल्यावस्था से ही है, जो 6 से 12 वर्ष की उम्र मानी जाती है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, निम्न में से कह सकते हैं किसको विद्यालय में समाजीकरण की विशिष्ट अवस्था माना गया है? तो समाजीकरण, ध्यान रखना ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, विद्यालय में जो समाजीकरण या सोशलाइजेशन है वो बाल्यावस्था को ही माना जाता है, बच्चा यहीं से आपका सामाजिक होने लग जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? जैसे कि इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे, ये सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जिज्ञासा की कमी। जबकि हम जैसे पढ़ते हैं कि बाल्यावस्था हुई या पूर्व बाल्यावस्था, इसमें बच्चा है कैसा होता है, क्यूरोसिटी होती है उसके अंदर, हर चीज़ को जानना चाहता है, तो ये कह रहे हैं कि क्यूरोसिटी की कम होती है, यानी जिज्ञासा कमी, जबकि क्यूरोसिटी अधिक होती है, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। इनके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के रूप में मुख्य है, इसमें से बताना है। अगर इन सभी ऑप्शनों को आप देखें, खुद से पढ़ के देखें, तो इसमें से राइट आंसर निकल के आएगा आपका 2 नंबर ऑप्शन, बालक व बालिकाओं में एक साथ रहने की प्रवृत्ति, यानी इसका मतलब ये है, बालक व बालिकाओं में एक साथ रहने की प्रवृत्ति का मतलब ये है, मीन्स इसका कि ये होमोसेक्सुअल हो जाते हैं बच्चे, यानी जो लड़की है वो एक तरफा ग्रुप बना लेते हैं और बालिका है वो अपना ही ग्रुप बना लेती है। लेकिन जब इस आपके किशोरावस्था में जाएंगे तो देख ला उसमें हेट्रोसेक्सुअल हो जाते हैं, यानी विपरीत लिंगों का आकर्षण हो जाता है। इस प्रकार के भी क्वेश्चन करेंगे जब किशोरावस्था आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, किस अवस्था में बालक को सरल कहानियों के द्वारा नैतिक शिक्षा देना प्रारंभ कर देना चाहिए? तो नैतिक शिक्षा की बात करते हैं लॉरेंस कॉलबर्ग, तो ये रेंडमली ऐसे नहीं है कि ये लॉरेंस कॉलबर्ग से पूछा है, लेकिन ये सामान्य जो विशेषता होती है उनकी विशेषताओं की कह सकते हैं एक यहाँ पर क्वेश्चन बना लिया है, आप ऐसे कह सकते हैं। तो इनमें से हम कहेंगे अगर नैतिक, अगर आपको शिक्षा कहानियों के थ्रू देनी है तो वो आपकी बाल्यावस्था में देनी चाहिए, इसमें भी बच्चा है सामाजिक गुणों का आना प्रारंभ होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि बालक के व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है? तो व्यक्तित्व की नींव भी आपकी कौन सी उम्र में पड़ेगी? वो भी बाल्यावस्था में, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि हॉर्निंग के अनुसार मौलिक दुश्चिंता के संप्रत्यय का विकास होता है, ये होता है आपके बाल्यावस्था में, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। और हॉर्निंग के स्टेटमेंट भी बहुत पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है इनके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि कौन सी अवस्था में बच्चों को हस्तशिल्प औजारों का प्रयोग, खिलौने बनाना, बागवानी आदि की शिक्षा देनी चाहिए? यानी हस्तशिल्प से मतलब है बच्चा मूर्त रूप से कोई कार्य करवाया जाए, जैसे कि बच्चों की बात ही हो रही है, तो जैसे खिलौने बनाना, बागवानी बनाना, इस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए, तो ये आपकी निश्चित तौर से किस अवस्था में देनी चाहिए? तो ये भी आपकी है, अगर इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो हम बाल्यावस्था पे ही जाएंगे, ठीक है, तो बाल्यावस्था बेस्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, ये कह रहा है कि किसने शिशुओं के मस्तिष्क को खाली स्लेट कहा है? तो ये हरियाणा ट्रेट में पूछा हुआ है 2021 में, तो ये आपकी कहा है किसने? जॉन लॉक ने कहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। और इस खाली स्लेट को इंग्लिश टर्म में क्या बोलते हैं? टेबुला रासा बोला जाता है। ऐसे कहते हैं कि बालक है अपने अनुभवों से इस खाली स्लेट के मस्तिष्क में ज्ञान का सृजित कर सकता है, इस प्रकार का ये स्टेटमेंट है। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता होगी? मिड चाइल्डहुड की अवस्था पूछी है, तो हम इनमें से अगर सभी विशेषताओं को पढ़ते हैं और फिर उसके बाद हम जाएंगे 4 नंबर पर, यानी बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं, ये चीन प्याजे की विशेषता ही पूछ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, ये कह रहा है कि गिरो अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? यानी गिरो की अवस्था है किस आयु वर्ग के विलंब विकास से संबंधित है, यानी किस उम्र के अंतर्गत आती है, आपको ये बताना है। तो हम कहेंगे ये आती है आपकी 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण, यानी जो बाल्यावस्था की विशेषता है ना, वो इसी से संबंधित है। ग्रुप का मतलब यही है कि फ्रेंड बनाना, ठीक है, यानी पीयर ग्रुप बनाना।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी आयु समूह मध्य बाल्यावस्था की श्रेणी के अंतर्गत आएगा? तो निश्चित तौर से इसमें से आएगा 6 से 11 वर्ष। जो ऑप्शन दे रखे हैं उन्हीं के अनुसार आंसर लगाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, किसने मूलभूती विश्वास बनाम अविश्वास की विकास की प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया था? ये जो क्वेश्चन है ये आपके संबंधित हो जाएगा आपके एरिक्सन से, यानी एरिक्सन ने एक मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था जिसमें आपकी 8 स्टेजें बताई थी और उन 8 स्टेजों की अपनी अपनी विशेषता है उम्र के हिसाब से, और वहीं पर पूछा था कि विश्वास बनाम अविश्वास, यानी जिसे कह सकते हैं ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट, तो ये संबंधित किससे है? तो ये आपके एरिक्सन से संबंधित है। इनकी जो 8 अवस्थाएँ इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बात कर ली, उनसे क्वेश्चन भी अच्छे खासे कर लिए थे जो पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य है उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? जो उपयुक्त नहीं है वो चूज करना है। आप है ऑप्शन नंबर 2 पे जाएंगे, यानी जो पुरुषोचित या स्त्रीोचित सामाजिक भूमिका को प्राप्त करना, ये आपकी किशोरावस्था की एक विशेषता होती है। बाकी जो 3 ऑप्शन है ना 1, 3, 4, ये सभी उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता के कह सकते हैं विशेषताएँ होंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, इसमें पूछा है बच्चे का सामाजिक जो विकास है वास्तव में प्रारंभ कब से होता है? तो इन ऑप्शनों को अगर ध्यान से देखें तो हम कहेंगे बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ कब से होता है आपको बताना, तो वो होता है उत्तर बाल्यावस्था में, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इस अवस्था में बालक में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है, ये विशेषता है आपके उत्तर बाल्यावस्था की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें पूछा है किसे किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है? तो वो एकमात्र स्टेनहॉल, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, 19वीं शताब्दी में अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? वो स्टेनहॉल को जाना जाता है। इस प्रकार का हमने क्वेश्चन तो नहीं किया था लेकिन थ्योरी पढ़ी थी आपको, ध्यान पेस्टोलॉजी टाइडमैन और उसके अंदर हॉब्स था, जॉन लॉक था, तो उनसे संबंधित उसमें भी स्टेनहॉल था, वो बाल मनोविज्ञान या सॉरी बाल मन विज्ञान तो नहीं बाल अध्ययन के बारे में हमने देखा था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें पूछा है कि अपनी पुस्तक एडोलसेंस में किसने कहा है कि किशोरावस्था एक नया जीवन है, व्यक्ति अब इसे प्रवेश करता है और अपने जीवन की शुरुआत करता है? तो ये स्टेनहॉल से ही संबंधित कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, इसमें पूछा है एडोलसेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो आपके स्टेनहॉल हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि किसकी पुस्तक में किशोरावस्था तनाव और संघर्ष का काल छपा था? ये आपके स्टेनहॉल की जो बुक थी उसी में से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, ये किससे संबंधित है, यानी ये किसने कहा है ये कथन? तो ये भी आपके स्टेनहॉल ने कहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। इसमें एटर्नली हॉल लिखा है तो इसे स्टेनहॉल कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। इनके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, ये कह रहा है कि अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एडोलसेंस में किसने लिखा है व्यक्ति का नया जीवन तब शुरू होता है जब वह किशोरावस्था से गुजरता है? तो ये भी स्टेनहॉल का ही कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, स्टेनहॉल के अनुसार जैसे कि इसमें कथन दे रखे हैं इनमें से देख लेते हैं जो भी कथन सही होगा। ये कह रहा है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष और तनाव तूफान और विरोध की अवस्था होती है, और ये कथन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जॉर्ज स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को कैसी अवस्था कहा है? तो हम कहेंगे तूफान और तनावपूर्ण, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष तूफान तनाव झंझावत की अवस्था है, ये कथन किससे है? तो ये भी आपके स्टेनले हॉल से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किशोरावस्था की अवधि कितनी मानी जाएगी? तो हम कहेंगे 12 से 19 वर्ष, जो नज़दीक है ऑप्शन होता है हम उसे ही चूज करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, इसमें अवस्थाओं को देख सकते हैं जो भी अन्य अवस्थाएं हैं कि इसकी अनुमानित काल कितना होता है या उम्र कितनी होती है। जैसे कि WHO जिसे हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किशोरावस्था के मध्य की अवस्था है यानी कितनी उम्र मानी गई है WHO के अनुसार, तो उसके अनुसार 10 से 19 वर्ष, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। और बाकी इसके बारे में और भी चीज़ें देख सकते हैं इसमें दे रखा है। इनके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसे है
निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसी समस्याओं की अवधि यानी ये जो प्रॉब्लम कहा जाता है तो वो आपकी किशोरावस्था ही संबंधित हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर इसका एक सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विकास के किस चरण में नायक पूजा की प्रवृत्ति का प्राचुर कहा जाता है, तो वो प्रारंभिक अर्ली एडोलसेंस बोल सकते हैं यानी प्रारंभिक किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी संवेगात्मक विशेषता केवल किशोरावस्था में पाई जाती है, तो वो आपकी एकमात्र वीर पूजा पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर इसका दो सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये है कि निम्नांकित में से कौन सी अवस्था संक्रमण अवधि यानी पीरियड ऑफ ट्रांजिशन कहलाती है, तो वो भी किशोरावस्था ही कहलाएगी, तो ऑप्शन नंबर इसका दो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका दो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, शीघ्रतम शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन के कारण किशोर व्यक्तित्व को कहा जाता है, तो आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो हम कहेंगे तूफान का कारण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, ये कह रहा है किस अवस्था में स्व सम्मान जिसे सेल्फ रेस्पेक्ट की भावना सबसे अधिक पाई जाती है, तो वो आपकी किशोरावस्था में ही पाई जाएगी, तो ऑप्शन नंबर तीन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि आत्मसम्मान की भावना जिसे फीलिंग ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट का लक्षण प्रकट होता है, तो वो आपकी किशोरावस्था में ही संबंधित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विकास की किस अवस्था में पहचान या अहम जैसे आइडेंटिटी बोल देंगे बनाव भूमिका भ्रांति जैसे रोल कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट बोल सकते हैं कि विशेषता घटित होती है, ये मनोसामाजिक सिद्धांत आपके एरिक्सन का है, उसमें 8 स्टेज थी जिनमें से 5 नंबर की स्टेज है आपकी किशोरावस्था जिसमें की विशेषता होती है रोल आइडेंटिटी वर्सेज रोल कॉन्फ्लिक्ट बोल दो या कन्फ्यूजन बोल दो, कन्फ्यूज बोल सकते हैं यहाँ पे, और या कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब द्वंद्वी होता है और इसे हिंदी में कहेंगे संभ्रांति, तो निश्चित तौर से इसका राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें पूछा है किस समूह में किशोरावस्था की विशेषता है, और आपको ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे इसमें दे रखे हैं उन्हीं आधार पर हमें चूज करना है, तो इनमें से हम जाएंगे जैसे कि दिवा स्वप्न यानी जो डे ड्रीमिंग होती है यानी दिन में जो स्वप्न देखते हैं, दोस्तों का महत्व यानी इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंड्स महत्व देते हैं, बिल्कुल सही बात है, विद्रोह की भावना होती है जिसे रिवोल्ट फीलिंग बोल सकते हैं, ये सभी आपकी किशोरावस्था की विशेषता हो जाएंगी, तो ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किशोर किशोरियों के संदर्भ में सर्वोत्तम समूह चयनित कीजिए, तो इनमें से अगर हम अगर ऑप्शनों को देखें तो आपको प्रत्येक देखना पड़ेगा, तो हम कहेंगे किशोर और किशोरियों के संदर्भ में सर्वोत्तम समूह चयनित कीजिए, तो आप इनमें से ऑप्शन नंबर एक पे जाइए, क्योंकि तार्किक चिंतन कर सकते हैं बच्चे और अमूर चिंतन भी कर सकते हैं और निर्णय शक्ति भी अच्छी होती है, तो वो भी कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार किशोरावस्था का लक्षण है, तो वो दिवा स्वप्न होगा यानी डे ड्रीमिंग दिन में स्वप्न देखना सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, किशोरावस्था के दौरान विकासात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होने वाली एक मुख्य समस्या कौन सी है, तो हम कहेंगे बच्चा है किशोरावस्था में आके ना एडजस्टमेंट नहीं कर पाता यानी समायोजन नहीं कर पाएगा, उसमें यही कमी होती है मेन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, इसका 4 नंबर ऑप्शन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, इसमें से बताना है कौन सा है किशोरावस्था का एक लक्षण नहीं है, जैसे कि शारीरिक परिवर्तन होते हैं और संवेगात्मक समस्याएँ भी होती हैं और व्यवहार में स्थिरता, ये व्यवहार में स्थिरता कहाँ से आ जाएगी, ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा, यानी व्यवहार में स्थिरता आ ही नहीं सकती है। ठीक है, तो किशोरावस्था की विशेषकर बात की जाए तो हम कहेंगे व्यवहार में स्थिरता नहीं आती, वो चंचल रहता है या अस्थिरता की समस्या बनी रहती है यानी हर वक्त अस्थिर रहता है, किशोरावस्था के अंतर्गत ये विशेषता है उसकी, व्यवहार में स्थिरता नहीं आती यानी स्टेबिलिटी नहीं होती किशोरावस्था, बस ये ध्यान रखना, बाकी विशेषता है तो सेम थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किशोरावस्था के समय में बालक का मानसिक विकास है यानी जो मेंटल डेवलपमेंट होता है वो पहुंच जाता है, तो हम कहेंगे क्लाइमेक्स हो जाए, क्लाइमेक्स का मतलब यहाँ है सर्वाधिक से संबंधित यानी अधिकतम विकास हो जाता है उसका मानसिक किशोरावस्था में जाते जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, किशोर अवस्था का मुख्य विशेषता निम्न में से यानी एक कोई विशेषता इसमें से चूज करनी है जो आपकी किशोरावस्था से संबंधित है, आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो हम कहेंगे ऐसे कह सकते हैं सेल्फ कॉन्शियस
कॉन्शियसनेस यानी आप कह सकते हैं आत्मचेतना की एक विशेषता होती है, तो ऑप्शन नंबर इसका अच्छा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सी विशेषता एक है किशोरावस्था से संबंधित नहीं है इसमें, जैसे कि समूह का महत्व होता है, रुचियों में परिवर्तन भी आता है, विद्रोह की भावना भी होती है, लेकिन खोखली मित्रता नहीं होती है, पक्की वाली होती है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका एक सही हो जाएगा। इनके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, ये कह रहा है किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द कौन सा होगा। अगर इन सभी ऑप्शनों को देखें तो हम कहेंगे चेंजिंग, किशोरावस्था में सर्वाधिक होती है चेंजिंग, चाहे वो किसी भी संबंधित हो, शारीरिक, मानसिक, और इनके अलावा आपका जो कह सकते हैं जो भी संबंधित शरीर से संबंधित होगी वो सभी चीज़ें होती हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर दो सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, इसमें पूछा है कि कौन किशोरावस्था में सामाजिक विकास का एक लक्षण नहीं होगा। आप इन सभी ऑप्शनों को देखिए, जैसे कि अपने वय समूह का सक्रिय सदस्य होना, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होना, ये बात सही है, मैत्री संबंधों में भारी कमी, ये गलत है, इसमें तो अधिकता होती है ना मैत्री संबंधों में। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है कि किशोरावस्था में सामाजिक विकास का लक्षण कौन सा है, तो आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो हम कहेंगे समूह के प्रति उत्पन्न भक्ति भावना, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, निम्न में से कौन सा है जो किशोरावस्था का एक लक्षण नहीं है, तो हम कहेंगे इसमें से जैसे तीव्र शारीरिक, ये हो जाएगा, विपरीत लिंग में अधिक रुचि लेना, ये भी हो जाएगा, स्पष्ट एवं स्थायी आत्म प्रत्यय नहीं होता है, ठीक है, अस्थिर रहता है, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर इसका तीन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, तो हम उसे किशोरावस्था कहेंगे, ऑप्शन नंबर दो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें बताना है कि जो किशोरावस्था है मैं बालक अच्छे से तैयार होते हैं, दर्पण में अपने चेहरे को निरंतर देखते रहते हैं तथा केवल अपने आप से प्यार करते हैं, राइट ने किशोरावस्था की इस विशेषता को क्या कहा है, तो हम उसे कहते हैं आत्मभोग, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका दो सही हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो, आई होप आप अच्छे होंगे। जैसा कि देख पा रहे होंगे इस वीडियो के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं पार्ट नंबर 4 CDP से संबंधित। CDP से संबंधित आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसमें 3 वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिए हैं, ये 4 नंबर की वीडियो है, तो आप और भी क्वेश्चन कराए हुए हैं उन्हें भी आप विजिट करके देख सकते हैं, जो CTET अन्य राज्यों में जो पूछे हुए हैं। इस वीडियो के अंतर्गत हम वंशानुक्रम और वातावरण से संबंधित किस प्रकार के CTET में या अन्य राज्य में क्वेश्चन पूछे हैं उनको डिस्कस करेंगे। ध्यान रखना है ये क्वेश्चन निश्चित तौर से आता है, 1 से 2 क्वेश्चन भी बन जाते हैं। इनके अलावा जो भी CTET के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं 2011 से लेकर 2022 तक जो भी क्वेश्चन या 23 तक हुए हैं, निश्चित तौर से आपको 22 जून तक सभी क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, मोस्टली ऑफलाइन हुए हैं, ऑनलाइन हुए हैं हो सकता है 1-2 दिन का डिले हो, निश्चित तौर से 22 जून तक मिल जाएंगे, तो आप है उन पर जाके प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, निश्चित तौर से आपको बेनिफिट होगा प्रीवियस में किस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं। फिर भी हम इन क्वेश्चन पेपरों को देख लेते हैं जो आपके सभी राज्यों और जो CTET में कह सकते हैं सभी को मिला के क्वेश्चन है इस टॉपिक से संबंधित। इसमें पूछा है मानव विकास का परिणाम होता है, आप इन सभी ऑप्शनों को देख लीजिएगा। हम जानते हैं क्या जानते हैं कि जो वंशानुक्रम और वातावरण ये दोनों ही महत्वपूर्ण कारक होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। आप ऐसे नहीं कह सकते वंशानुक्रम को छोड़ दें तो केवल वातावरण ही मानव विकास का परिणाम होता है, ऐसा कहना गलत है, क्योंकि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो एक को छोड़ नहीं सकते आप, दोनों को ही आपको समान रूप से लेना पड़ेगा। साथ ही साथ हम ये भी कहते हैं कि वंशानुक्रम और वातावरण के गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं मानव विकास का परिणाम कहते हैं। ऐसे कहने वाले कौन से मनोवैज्ञानिक थे, उनका नाम आएगा वुडवर्थ, और वुडवर्थ से संबंधित 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं जो भिन्न भिन्न परीक्षा में, वो भी डिस्कस करेंगे, इनकी परिभाषाएँ और जो वंशानुक्रम वातावरण का गुणनफल होता है इस बात को भी कहने वाले यही थे, तो निश्चित तौर से आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। इनके अलावा जो वंशानुक्रम के ऐसे कौन कौन से सिद्धांत हैं, ये कहते हैं कि वंशानुक्रम महत्वपूर्ण होता है, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कहते हैं वातावरण बहुत ही महत्वपूर्ण होता है मानव विकास में, तो इन सभी चीज़ों को लेकर ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका तो राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो गया, वंशागति एवं वातावरण कारकों का। यहाँ पर टर्म यूज की जाती है, जेनेटिक्स भी आता है यानी वंशानुगति के कारण, इनके अलावा यहाँ पर हेरिडिटी भी शब्द आएगा, तो ध्यान रखना है ये टर्म यूज की जाती हैं, बाकी इन दोनों का मतलब एक ही होता है कि माता पिता के जो लक्षण होते हैं वो उनकी वंशा जो संतति होती है या बच्चे होते हैं उनमें आ जाते हैं, इसका टर्म यही यूज किया जाता है मोस्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, इसमें पूछा है बालक का विकास प्रभावित होता है वो किससे होगा, ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं, तो हम निश्चित तौर से कह सकते हैं ना कि वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से ही प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, ये कह रहा है वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ये किसने कहा था, तो निश्चित तौर से ये आपके रॉस ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है,
ये क्वेश्चन नंबर पूछा है कि वातावरण में वे सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है, यह कथन किससे संबंधित है? तो ये आपका कथन हो जाएगा आपके वुडवर्क से संबंधित, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है कि वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किए थे? तो चूहों पर प्रयोग किए थे आपके ग्रे जॉन मेंडल ने, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अगर ये मैकडूगल ऑप्शन नंबर ना हो तो आप किसको आंसर लगाएंगे? तब आपको विलियम मैकडूगल लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, विलियम मैकडूगल ने एक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी एक बुक लिखी थी, उसमें चेतना को बुरा शब्द कहा था, इसलिए ये फेमस भी हुए थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका तो 3 ही सही होगा, लेकिन अगर मेंडल ऑप्शन में ना हो तो विलियम मैकडूगल हो जाएगा राइट आंसर। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि मानव बुद्धि एवं विकास प्रभावित होते हैं, यानी जो मानव का बुद्धि है और आपका विकास, ये किससे प्रभावित होते हैं? तो हम कहेंगे वंशानुक्रम से भी होते हैं और वातावरण से भी होते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का एक नियम नहीं है? और इस प्रकार के क्वेश्चन सीटेट भी पूछता है। तो देखो, समानता का होता है, भिन्नता का भी होता है, प्रत्यागमन का भी होता है, लेकिन अभिप्रेरणा तो एक चैप्टर है, यानी मोटिवेशन एक चैप्टर है, आप पढ़ते भी होंगे, तो निश्चित तौर से यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, जो एक नियम नहीं है, ठीक है। बाकी जो समानता का नियम ये है कि जो भी माता पिता होते हैं उसी प्रकार की संतति अगर हो जाती है तो निश्चित तौर से समानता का नियम हम बोल सकते हैं, या इनके अलावा टर्म यूज कर सकते हैं, जैसे कि पशु है पशु जैसे ही बच्चे होते हैं, मानव है तो मानव जैसे ही बच्चे होते हैं, तो ये भी एक समानता का नियम हो जाएगा। भिन्नता का नियम ये है कि जो भी पेरेंट्स है उनके कह सकते हैं अलग टाइप का कोई अन्य भिन्नता आ जाए बच्चों में, आप ऐसे भी कह सकते हैं बालक अपने माता पिता के बिल्कुल समान ना होगा, उनसे भिन्न हो जाए, जैसे कि बुद्धि में, ठीक है, और इसका रंग भी हो सकता है, उसके स्किन का कलर भी हो सकता है, और स्वभाव में कुछ भिन्न हो, तो इस प्रकार आप भिन्नता लगा सकते हैं, और यही मेन रीजन होता है। और तीसरा है प्रत्यागमन। प्रत्यागमन का मतलब होता है एक तरह से विपरीत लक्षण वाला कोई बच्चा पैदा हो जाए, जैसे प्रतिभाशाली माता पिता के मंद बुद्धि बच्चा पैदा हो जाए, तो निश्चित तौर से हम प्रत्यागमन का सिद्धांत बोल देंगे। ये सभी वंशानुक्रम से संबंधित है, क्योंकि क्वेश्चन में भी यही पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन हो गया, तो जो इससे संबंधित नहीं था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जैसा स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि वंशानुक्रम के किस नियम के अनुसार प्रतिभाशाली माता पिता के कम प्रतिभाशाली संतान की प्रवृत्ति और निम्न कोटि के माता पिता से कम निम्न कोटि का संतान होने की प्रवृत्ति होती है, ये किस सिद्धांत से संबंधित है वंशानुक्रम के? तो हम जानते हैं इसे कहते हैं प्रत्यागमन का सिद्धांत, क्योंकि विपरीत लक्षण वाले बच्चे यहाँ पर पैदा हो रहे हैं, तो निश्चित तौर से हम जो बात कर रहे थे इससे प्रीवियस क्वेश्चन में, तो इसी प्रकार की बात थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, ये आपके सीटेट ने पूछा है, आप क्वेश्चन नंबर देख रहे होंगे, इसमें पूछा है किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवांशिकी संरचना से निर्धारित होती है, यह कथन कैसा सही है गलत है? ये आपको 4 दे रखे हैं ऑप्शन। हम कहेंगे ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ सकता है, तो निश्चित तौर से इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि वातावरण का जितना प्रभाव होता है उतना ही आपके आनुवांशिक का होता है। हम जब भी तो कहते हैं कि बुढ़वत यही कहते हैं कि जो वातावरण है वो आनुवांशिकी दोनों का गुणनफल होता है, जो मानव का जो विकास होता है या विकास का परिणाम भी बोल सकते हैं उसे, तो निश्चित तौर से दोनों का ही यहाँ पर महत्व होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स तथा फिल इन द ब्लैंक्स की विशिष्ट अन्योन क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है, वो इनमें से चूज करना है, तो हम कहेंगे वो हो सकता है आपका वंशानुक्रम और पर्यावरण, इन दोनों फिल इन द ब्लैंक्स में आपके एक तो वंशानुक्रम आएगा, दूसरा वातावरण आएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। पर्यावरण का मतलब वातावरण से ही होता है, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि फिल इन द ब्लैंक्स के अनुसार बालक का विकास आनुवांशिकता तथा वातावरण का गुणनफल होता है, ये किससे संबंधित है? तो ये या ये स्टेटमेंट किसने कहा है? तो ये आपके वुडवर्थ ने कहा है, और ये आपके यूपी टेट में पूछा हुआ है 2016 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? यानी आप है इस प्रकार के सीटेट में मोस्टली क्वेश्चन देखते हैं, प्रकृति का मतलब होता है वही वंशानुक्रम और पोषण का मतलब होता है वातावरण, तो हम ये कह रहे हैं कि इसमें कह रहा है कि विवाद जो प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है, यानी प्रकृति का मतलब क्या है? तो हमने कहा था इसका मतलब होता है वंशानुक्रम, या तो इसे जैव की कह दो, जैव की विशेषताएं,
या वंशानुक्रम की सूचना है। तो ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा, क्योंकि प्रकृति का मतलब, बायोलॉजिकल का मतलब यही है, जो आपके जीन्स हैं वो आपके पेरेंट्स से संतान में आते हैं, तो वो जैव की हो जाते हैं एक तरह से, ठीक है, यानी हमारे शरीर से संबंधित पर्टिकुलर हो जाते हैं, उसे ही वंशानुक्रम सूचनाएँ भी बोल देते हैं। तो ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, इसमें आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधित कारक है। आप इन सभी ऑप्शनों को देख लीजिएगा, इसमें से राइट आंसर हो जाएगा एक नंबर ऑप्शन, आंखों का रंग। हमने अभी बताया था जो आनुवंशिकता यानी पेरेंट्स के जो लक्षण हैं वो बच्चों में आना होता है, चाहे वो लंबाई से या बोने से या उसकी स्किन के रंग से या उसकी आंखों के रंग से, और विभिन्न प्रकार के जो मेंडल ने प्रयोग करके सिद्ध किए थे वो मोस्टली आनुवंशिकी थी एक तरह की, ठीक है। तो वो निश्चित तौर से इसमें आँख का रंग है वो एक आपके आनुवंशिकता से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वंशानुक्रम तथा वातावरण के संबंध का व्यक्ति की बुद्धि पर प्रभाव निम्न में से किसके अनुसार होता है। आप इन सभी ऑप्शनों को देख लीजिएगा, हमने एक ही चीज़ पढ़ी है कि वंशानुक्रम और वातावरण यानी जो मल्टीप्लाई होते हैं दोनों, तो यही व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, और ये कहने वाले कौन थे, वुडवर्थ, ठीक है। भैया यहाँ पर टर्म यूज आ सकती है इनकी, जैसे कि वंशानुक्रम और वातावरण दोनों क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं, ऐसे भी टर्म यूज की जा सकती है, तो निश्चित तौर से अगर क्वेश्चन आएगा तो हम उसे भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, अच्छी उपज के लिए अच्छे बीज और अच्छी धरती दोनों की आवश्यकता है, वुडवर्थ के अनुसार उपयुक्त कतर में धरती का संबंध किससे है, आप ऐसे बताइए। तो हम अगर इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो देखो, वुडवर्थ ने ये भी बताया था, आपको ध्यान होगा क्या बताया था, कि ये भी बताया था कि जो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का जो गुणनफल होता है वो मानव विकास का एक तरह से परिणाम होता है, ठीक है, ये भी बात हो गई। और उनके अलावा इन्होंने ये भी बात कही है, क्या अच्छी उपज के लिए अच्छे बीज और अच्छी धरती दोनों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर जो अच्छी उपज है और यानी अच्छी उपज के लिए जो बीज होते हैं और धरती, इनका संबंध कैसे बताया। तो बीज का मतलब होता है बालक के आनुवंशिक गुणों से, और धरती का मतलब होता है वातावरणीय कारक से, ठीक है। तो इसका पूछा है धरती, धरती का मतलब होगा वातावरण, जिसे पर्यावरण भी बोल सकते हैं, तो हम धरती का मतलब यहाँ पर लेंगे वातावरण से, बालक के वातावरण से संबंधित हो जाएगी। अगर बीज की बात करता तो इस पर इसका ऑप्शन नंबर दो सही हो जाता, तो इस बात को समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जैसा कि देख पा रहे होंगे इसमें पूछा है कि विकास का आनुवंशिकता के प्रभाव की सीमा का सबसे अच्छा वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। आपको ये दो ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही होगा। हम कहेंगे कि आनुवंशिकता निर्धारित करती है कि किसको कितना विकसित किया जा सकता है, तो निश्चित तौर से ये ऑप्शन नंबर दो सही हो जाएगा, यही आनुवंशिकता कहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, और ये ध्यान रखना, ये इसकी हमने सीमा बताई है, यानी लिमिटेशन का मतलब होता है इसकी एक कमी है ये, यानी विकास का आनुवंशिकता के प्रभाव की सीमा का सबसे अच्छा वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। तो हम कहेंगे आनुवंशिकता निर्धारित करती है कि किसको कितना विकसित किया जा सकता है, ये उसका एक समर्थन है, यानी आप कह सकते हैं किसी का स्टेटमेंट होता है ना, उस प्रकार का है ये संबंधित वंशानुक्रम से। तो ये फिक्स नहीं है कि ये प्रॉपरली सही बात हो, क्योंकि इसमें वातावरण भी तो महत्वपूर्ण होता है, हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते, तो इस वजह से ये हमें इसे लिमिटेशन मानते हैं, यानी एक सीमा मानते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर इसका दो सही हो गया। इनके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि आनुवंशिकता की इकाई होती है तो हम उसे जीन कहते हैं, और जीन है आपने जब आप टेंथ तो नहीं कहेंगे, जब 11th 12th पढ़ते हैं तो उसमें जो क्रोमोसोम होते हैं, जो गुणसूत्र होते हैं, तो इन पे जो गुणसूत्र होते हैं इन पर ये डॉट डॉट से रूप में ये जीन्स होते हैं, यही जीन्स पेरेंट्स से किस में आते हैं वो आप उनके बच्चे या उन्हें संतति बोल सकते हैं, तो निश्चित तौर से ये यही गुण आते हैं आपके बच्चों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीन नंबर, यानी मैंने जीन बताया था, जीन किस पर उपस्थित होते हैं, तो वो आपके क्रोमोसोम होते हैं यानी गुणसूत्र, उन पर उपस्थित होते हैं, यानी ये डॉट्स के रूप में होते हैं, यही आपके पेरेंट्स से बच्चों में ये लक्षण आते हैं, चाहे वो लंबाई का हो, रंग का हो, आँखों का रंग का हो, और बोनेपन का हो, यानी विभिन्न जो भी वंशागति से संबंधित सिद्धांत चलते हैं वो यही फॉलो करते हैं मोस्टली, तो ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका तीन सही हो जाएगा। इस प्रकार हमने जो भी क्वेश्चन किए हैं ये आपके वंशानुक्रम और वातावरण से संबंधित हैं। इनके अलावा जो भी क्वेश्चन और भी बच रहे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, साथ ही साथ जो आपकी CDP के जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं उनमें हम इसे इंक्लूड कर देंगे। इस प्रकार हम और भी जो क्वेश्चन है उन्हें भी करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम इतने ही क्वेश्चन रख रहे हैं, बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।